यार अगर तुम एक साइंस एस्पिरेंट हो और एक फिजिक्स लवर हो तो बच्चों आप लोगों को आज के सेशन के अंदर बहुत मजा आने वाला है। और आज एक सेशन के अंदर बेटा हम हमारी फिजिक्स को प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत टॉप लेवल पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इससे पहले हम एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर यहाँ पे कुछ हो गया है तो आजकल बेटा ये ना बहुत धोखेबाज हो रखा है। हाँ एक बार फटाफट बता दो यार, अब देखो ऑडियो वीडियो बिल्कुल सेट है। आजकल ना ये बहुत ज़्यादा बेटा है ना नाराज रहती है मेरी स्क्रीन मुझसे, मुझे इसे बहुत प्यार से मनाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ये कहीं तुम्हारे सामने लाइव हो पाता हूँ मैं तो। ठीक है, यस सर, अब सब ठीक है, बढ़िया। तो कभी कभी ये वाइफ की तरह बिहेव करता है, बहुत प्यार से मनाना पड़ता है तब मानते हैं, ठीक है, थोड़ा नाराज चल रहा है आजकल। तो चलिए मेरे बच्चों, तो यार मैं आपके सामने आज जिस उद्देश्य के साथ आया था फिर उस उद्देश्य पे वापस आता हूँ। यार आज का जो सेशन है बेटा ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक फिजिक्स एस्पिरेंट के लिए और साथ ही साथ एक जेई एस्पिरेंट के लिए, साइंस लवर के लिए, बिकॉज आज बच्चों हम बात करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स के अंदर या अपनी डेली लाइफ के अंदर कभी ना कभी अगर यूज किए हों तो आज इनको हम बहुत डीपर लेवल पे जाके इनकी कंस्ट्रक्शन को सीखेंगे। और ना ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनका कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो बेसिक रीजन क्या है, लीस्ट काउंट क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव एरर क्या होते हैं, रीडिंग कैसे ली जाती है, ये सारा इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम निपटाने वाले हैं। तो ये सेशन बेटा साइंस एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं एक बात की आपको वादा करता हूं और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, इसका मतलब पहला स्टेप तो यही है कि आप एक बहुत सिंसियर एस्पिरेंट है, बिकॉज इसका एक क्वेश्चन मेंस के अंदर भी और एक क्वेश्चन हर साल एडवांस के अंदर भी पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने हर एक चार नंबर की बहुत कीमत करते हैं, अपने हर एक चार नंबर के प्रति बहुत सिंसियर हैं, तो इसका मतलब आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं। और सिंसियर एस्पिरेंट्स बेटा जेई में कम होते हैं, याद रखिए इस बात को, ज्यादा एस्पिरेंट्स बहुत सारे होते हैं, 10-11 लाख बच्चे हर साल पेपर दे रहे हैं, लेकिन बहुत मात्र मतलब 70,000-80,000 बच्चे होते हैं जो एक्चुअली में हर एक चार नंबर की कदर करते हैं। तो ये सवाल जो है, जो बेसिकली ये जो सेशन है, उस एक क्वेश्चन को पेपर के अंदर फोड़ने के लिए है। तो फटाफट चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दो, मुझे बता दो दैट एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल। बिल्कुल ये वन शॉट रहेगा, एक सिंगल शॉट के अंदर हम ये दोनों को खत्म कर देंगे, लगभग वीडियो की ड्यूरेशन 1-1.5 घंटे के बीच में रहेगी बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को, फटाफट लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। बहुत सारे बच्चे शायद वीडियो को पहली बार देख रहे हो, बड़ा सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल पे, टॉप लेवल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर रोज मिलता है और आपका बस इतना ही बदले में हमें रिटर्न चाहिए, आपसे बदले में बस प्यार चाहिए और एक विश्वास चाहिए कि आप यहाँ पे ईमानदारी से काम करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ पे बेटा आपको लंबी गाइडेंस मिलती है, एकेडमिक्स तो है ही है, एकेडमिक्स तो हमारे चैनल का कोर है, उसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं इस प्रिपरेशन के अंदर जो आपको चाहिए होती हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स हो गई, प्लस आप लोगों का स्ट्रेटेजीज होगी वो सब आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक काम करके रखना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आपका यहाँ पे लिंक अपने आप ओपन नहीं होता तो उसको बेटा आप मैनुअली टाइप करो t.me, तो t.me करके जब आप इसको टाइप करोगे या टेलीग्राम की ऐप को इंस्टॉल करो तो उसके बाद इस लिंक को क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपका ये ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको और थोड़ा रेगुलर वे पे बेहतर तरीके से अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो सीधा आते हैं बच्चों हमारे मुद्दे की बात पे, यस, एंड प्यारे प्यारे जो तुम दिल बनाते हो, टमाटर बनाते हो बेटा, यही हमारी सच मायने में बेटा यही मेरी सेटिस्फेक्शन है। अगर मेरे यहाँ पे लाइव आने से किसी एक बच्चे का किसी एक सवाल को भी अगर मैं पेपर के अंदर ठीक कर पाऊं तो दैट इज माय कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब एंड टीचिंग यू पीपल। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज के इसी के जोश के साथ, जयकारा शेरावाली माता का बोल साचे दरबार की जय। आज का सत्संग शुरू होने वाला है, पहले वर्नियर कैलिपर को निपटाएंगे, बाद में स्क्रू गेज को निपटाएंगे और मजे लेके सीखिएगा। आज का सेशन जो है मैं फिर बता दूं फिजिक्स एस्पिरेंट्स के लिए है, प्रैक्टिकल एस्पिरेंट्स के लिए है, साइंस एस्पिरेंट्स के लिए है। तो यार देखो वर्नियर कैलिपर बेटा एक हमारा डिवाइस है जो चीजों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एक स्केल होता है ना, स्केल से आप चीजों को मेजर करते हो, सेम वैसे ही ये भी एक स्केल है, बस थोड़ा सा और एडवांस लेवल का स्केल है जो आपको और एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो इसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। तो इस कैलिपर के बेटा जो होते हैं ना, एक स्केल मूवेबल होता है जो आप देख सकते हो, दिस इज अ मूवेबल स्केल, ये जो मूवेबल स्केल है इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, और एक स्केल हमारा फिक्स स्केल होता है जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। तो ये वाला जो स्केल है, ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला जो विनेसर स्केल है, आराम आराम से मजे ले लेके बेटा धीरे धीरे मैं आपको बढ़ाऊंगा सारा आज का सेशन, आज थोड़ा सा स्लो चलूंगा, वैसे विनेसर है ना स्वाद लेके तेज तेज चलते हैं, आज थोड़ा सा स्लो चलूंगा, टॉपिक ऐसा है तो ध्यान से सुनना। तो एक स्केल बेटा हमारा जो नॉर्मल स्केल, ये वही स्केल जो बचपन में देखते आ रहे हो, इसी का मैंने जूम करके जो वर्जन है आपके सामने बना दिया, सो दिस इज गाइस यू नो माई मेन स्केल। ये कौन है, ये कौन है, इसको बना देते हैं, दिस इज योर बेसिकली मेन स्केल, ये मेरा मेन स्केल है, ये वही बेटा बचपन वाला स्केल जो आप देखते आए हो अपनी लाइफ के अंदर, ये वही वाला स्केल है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया,
और आपको पता होगा यार ये जो बीच का है ना, ये जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 0.5 सेंटीमीटर हो गया, तो बेसिकली ये जो है एक डिवीजन, मेन स्केल की जो एक डिवीजन है इसे हम बोलते हैं 1 MSD। इसको क्या कहते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन। क्या बोलते हैं विनय सर? 1 मेन स्केल डिवीजन। और इसकी बेटा वैल्यू जो होती है आप जानते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली है हमारी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। तो एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं बेटा, ये कुछ रूल्स हैं, ये याद रखिए कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर विनेसर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है जी? तो जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है, ये नॉर्मल स्केल है बेटा, वर्नियर कैलिपर पे भी ये स्केल प्रेजेंट होता है, ठीक है? एक स्केल मूवेबल होता है वो अलग है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। तो पहले तो नॉर्मल स्केल का आपके सामने रिकैप करवा रहा हूं। जो नॉर्मल स्केल आपने बचपन में देखा है, उस स्केल का जो डिवीजन होता है ना, उसका जो एक डिवीजन होता है, मतलब ये जो एक डिवीजन है इसकी वैल्यू होती है कितनी? 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर कह दो या 1 मिलीमीटर कह दो, तो कम से कम वैल्यू जो ये स्केल मेजर कर सकता है वो है हमारी 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। अब जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, ध्यान से सुनना, इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जो लीस्ट काउंट होता है वो इससे भी छोटा, वो इससे भी छोटा होता है। अगर ये 1 mm है तो ये जो रहता है, ये रहता है 0.1 mm, मतलब ये 0.1 mm तक जाके चीजों को मेजर कर पाएगा। और जो हमारा स्क्रू गेज है बच्चों, सोचो जरा ये वाला है ना, ये कहां तक जा पाएगा? नॉर्मल स्केल 1 mm तक मेजर करता है, ये 0.1 mm तक मेजर करता है, और जो स्क्रू गेज है, जो इसका भाई है एक और, वो 0.01 mm, वो और भी माइन्यूट लेवल की रीडिंग को जाके मेजर कर पाता है। अब ये कैसे है? नॉर्मल स्केल तो हमें दिखता है यार, नॉर्मल स्केल में तो कोई टेंशन ही नहीं है। नॉर्मल स्केल में मान लो मुझे कोई लेंथ मेजर करनी है, लेट्स से आई वांट टू मेजर अ लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये एक मान लो ये एक लेंथ है, मैं यहां से यहां इसे मेजर कर लूंगा, ठीक है ना? मान लो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ ये स्केल मेजर कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहे बेटा, एकदम से क्लैरिटी के साथ। अब देखो यार, ये वाली जो लेंथ है, देखो ये मान लो ये एक रॉड को बेटा मैंने मेजर किया, ध्यान से सुनना, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ मैं एक नॉर्मल स्केल से मेजर कर रहा हूं, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यार ये जो रीडिंग है, देखो ये आ रही है 2, यार ये 2.1, यार ये 2.2, तो ये वाली जो वैल्यू है ये है 2.2 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है ये है हमारा कितना, 2.3 सेंटीमीटर। तो इस रॉड की जो लेंथ है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस रॉड की जो लेंथ है ये है 2.3 से 2.4 सेंटीमीटर के बीच में। मेरी बात समझ रहे हो? जो नॉर्मल स्केल है या तो वो आंसर 2.3 दे सकता है या वो 2.4 दे सकता है, बिकॉज मेरा लीस्ट काउंट जो नॉर्मल स्केल का होता है वो होता है हमारा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। अब जो वर्नियर कैलिपर होगा ना, वो एग्जैक्ट बता पाएगा ये 2.3 से कितना ज्यादा है, तो ये आपको एग्जैक्ट बताएगा 2.32 सेंटीमीटर या 2.34 सेंटीमीटर। तो एक लेवल और अंदर जाके, मेरी बात समझ रहे हो है ना, एक लेवल और अंदर जाके हमारा बेसिकली, मेरी बात समझ रहे हो, 0.1 mm, और इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 0.01 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो जैसे मैं यहां पे आपके सामने 0.1, 2.3, 2.4 पढ़ रहा हूं, तो 2.4 तक जा रहा हूं, वैसे ही जो वर्नियर कैलिपर होगा वो एक और हमारा डेसिमल अंदर जाके आपको एग्जैक्ट बताएगा 2.32 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं जरा ध्यान से सुनना। तो एक हो गया बेटा हमारा मेन स्केल है ना, एक हो गया हमारा ये वाला मेन स्केल। इसके अलावा एक स्केल बेटा हमारा मूवेबल होता है, जिस स्केल को हम बेटा बोलते हैं हमारा कौन सा स्केल विनय सर, वर्नियर स्केल। ये स्केल हमारा इसके ऊपर मूव कर सकता है, और ये जो तुम देख रहे हो, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं जॉस है ना, जिसके बीच में बेसिकली आप यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट को फिट करते हो, और उस ऑब्जेक्ट को फिट करके बेसिकली आप उसकी रीडिंग को मेजर करते हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो उस ऑब्जेक्ट को तुम यहां फिट कर दोगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इंटरनल डायमीटर फिट करना है, मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर बेटा हमने अगर मेजर करना है, तो आप यहां पे बेटा नोटिस करेंगे, ये ऊपर वाले जॉस के बीच में आप इंटरनल डायमीटर को मेजर करके अपना करोगे, एक्सटर्नल डायमीटर को यहां पे अपना फिट करोगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेप्थ बेटा हमें मेजर करनी है, तो यहां से ना एक डंडा भी बाहर निकलता है, तो आप उसके अंदर डाल के उसको मेजर भी कर सकते हो। ये सारा मैं आपको एक वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा।
तो एक मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन बेटा अगर वर्नियर कैलिपर का आपके सामने रखूं तो वो ये वाला आपके सामने मैंने बना दिया है, ठीक है जी। तो दिस इज यू नो गाइस योर बेसिकली मेन स्केल, ये एक हमारा नॉर्मल स्केल होता है, इसे हम मेन स्केल कहते हैं। एक स्केल बेटा हमारा मूवेबल होता है, उस स्केल का नाम होता है हमारा वर्नियर स्केल। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज योर बेसिकली वर्नियर स्केल। और यहाँ पे बेटा एक ना ये लॉकिंग स्क्रू होता है कि बेसिकली मान लो यहाँ पे मैंने इनके बीच में मैंने एक ये स्फीयर को फिट किया, मैंने एक स्फीयर को फिट किया, तो जैसे ही बेटा मैं स्फीयर फिट करूंगा बाद में ये रीडिंग हमारी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए तो यहाँ पे एक लॉकर लगा होता है, वो उस लॉकर से रोटेट करके उसे फिक्स कर देते हो, है ना। तो दिस इज बेसिकली यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर। और ये वाला जो है बेटा ये आपका जैसे मुझे मैंने आपको अभी बताया कोई अगर चीज का हमें इंटरनल डायमीटर अगर मेजर करना है तो इंटरनल जॉस के बीच में से आप फिट करोगे, ठीक है जी। और ऐसे बेटा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको अगर किसी चीज की डेप्थ मेजर करनी है तो यहाँ से वो जो डंडा है वो बेसिकली बाहर में निकलता है। तो अगर किसी भी चीज की मान लो है ना मुझे डेप्थ मेजर करनी है, लेट्स से आई वांट टू मेजर दिस डेप्थ, कितना बेसिकली डीप है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो ओके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है आप उसके अंदर फिट कर दोगे तो जितनी ये लेंथ होगी वो आप बेसिकली यहाँ से रीडिंग से लेकर अपना मेजर कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बेसिकली ब्रॉड स्ट्रक्चर है कैसे आप इस इंस्ट्रूमेंट को मल्टीपल सिचुएशन में यूज कर सकते हो। अब ना ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, अब इसको समझते हैं ये है क्या, अब ये रीडिंग कैसे मिलेगी, ये स्केल कैसे मुझे एग्जैक्ट बता पाएगा कि ये 2.3 और 2.4 के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है बेसिकली मुद्दे की बात, ये जो एक्स्ट्रा 2.2 से ज्यादा, मैंने सर सॉरी गलत लिख दिया बच्चों, मैंने गलत लिख दिया, शायद बच्चे कह भी रहे थे, बच्चे कह रहे हैं सॉरी गाइस, यस 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 बच्चे ठीक लिख रहे हैं 2.7 टू 2.8, सॉरी सॉरी यस यस यस, ये बेटा 5 है 6 है 7 है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा। ये विनय सर थोड़ा सा कई बार नशे में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा बेसिकली इट इज 2.7, तो ये 2.8, तो इसके बीच में है, 2.7 से 2.8 के बीच में है। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है कितनी, समझ रहे हो, इसको मेजर करने के लिए हमने एक मूवेबल स्केल यहां पे लगाया है। अब ये कैसे मेजर होता है मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूं। हम यहां पे बेटा एक सिंपल सा काम करते हैं, हम जो मेन स्केल है उसकी 9 डिवीजन को 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से ओवरलैप करते हैं। जो हमारा मूवेबल स्केल है, ये जो हमारा मूवेबल स्केल है इसके अंदर भी बेटा हमारा एक स्केल लगा हुआ है और इसकी ध्यान से सुनना जो डिवीजन्स हैं वो छोटी होती हैं। तो मैं आपके सामने डायरेक्ट फिगर लेके आता हूं, आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा। देखो ये हमारा ऊपर वाला जो है ये हमारा मेन स्केल है, दिस इज योर विनय सर मेन स्केल, और ये जो हमारा नीचे वाला है ना, ये वाला जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं हमारा वर्नियर स्केल। ये कौन है विनय सर, दिस इज माई वर्नियर स्केल, ये हमारा मूवेबल वर्नियर स्केल है, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। और जब ये जॉज आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हों, जब ये जॉज बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हों मतलब आप अभी जीरो लेवल पे खड़े हो और आपका मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल ओवरलैप होना चाहिए। मेन स्केल का जीरो विनय सर किससे ओवरलैप होना चाहिए, वर्नियर स्केल के जीरो से। और अगर बेटा ये दोनों जीरो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, ये दोनों जीरो एक दूसरे से विनय सर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो ये हमारा बिल्कुल एक आइडियल स्केल है, ये मतलब बिल्कुल ठीक है, इट इज एरर फ्री, इसमें कोई एरर नहीं है। कई बार ये जीरो जीरो से मैच नहीं करता तो उस केस में इसके अंदर एरर आ जाता है, उसको कैसे डील करना है उसे थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो आप बेटा यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए कि हमारा जो मेन स्केल है ये उसकी बेटा पहली डिवीजन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, तो समझ रहे हो। तो दिस इज बेसिकली नाइन्थ, नाइन्थ मेन स्केल डिवीजन, ये जो मेन स्केल डिवीजन है ये उसकी नाइन्थ है। और ऐसे बेटा जो नीचे हमारा स्केल है, अब देखो यार इसकी डिवीजन छोटी है, ये वाली जो है ये होती है हमारी वन मेन स्केल डिवीजन, ये वन मेन स्केल डिवीजन है। अब इसके नीचे जो मूवेबल स्केल है उसकी डिवीजन छोटी है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, समझ रहे, ये एक और स्केल है, और ये जो स्केल है इसकी जो एक डिवीजन होगी उसे हम बोलेंगे वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और हम ऐसा ये स्केल लेते हैं कि हमारी बेसिकली 10th वर्नियर स्केल डिवीजन, देख रहे हो ये 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और ये लास्ट वाली फिर 10th, तो ये 10th वर्नियर स्केल डिवीजन, 10th वर्नियर स्केल डिवीजन ओवरलैप करती है 9 मेन स्केल डिवीजन से, है ना। तो 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल ओवरलैप्स विद 10 डिविजन्स ऑफ यू नो वर्नियर स्केल, तो यही मैंने आपके सामने लिखे है ना, यही बेसिकली मैंने आपके सामने यहां लिखा है 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो आप बेटा निकाल सकते हो 9/10 इनटू मेन स्केल डिवीजन, और जो मेन स्केल डिवीजन है वो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल का कितना होता है मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो ये 1 मिलीमीटर होता है,
तो 9/10 × 1 तो बेसिकली ये आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर. कितना आ गया विनय सर? 0.9 मिलीमीटर. तो हमारा 10 वर्नियर स्केल इज 9 मेन स्केल. तो 1 वर्नियर स्केल जो होता है बेटा वो हमारा 0.9 mm है. अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं. हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पहले सुन लीजिए पूरा. दैट इज माय लीस्ट काउंट. हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, दैट इज LC, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट. और बेटा जो वन लीस्ट काउंट होता है, मतलब कम से कम वैल्यू जो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, वो होती है 1 मेन स्केल डिवीजन - 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ये रूल याद रखना है. अब ये क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो एक मेन स्केल में एक वर्नियर स्केल अपना माइनस करो, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 1 मिलीमीटर मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. बेटा होगी हमारी 0.9 मिलीमीटर. आप बेटा जरा इसको देखिए, ये हमारी आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर. तो मेरी बात को समझे, 0.1 मिलीमीटर. और यही मैंने आपको बताया था, नॉर्मल स्केल अगर 1 mm तक मेजर करता है, ये जो वर्नियर स्केल होता है ये इसका भी 1/10 वो 0.1 मिलीमीटर तक जाके मेजर करता है. और अगर सेंटीमीटर में देखो, है ना, तो इसे आप 0.01 सेंटीमीटर तक लेके जा सकते हो. अब ये क्यों माइनस किया, जरा ध्यान से सोचते हैं इसको. जरा मैं आप डायग्राम से समझाता हूं. अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है. तो आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना. देखो ये हमारा नॉर्मल स्केल है, ये नॉर्मल जिंदगी है. यहां पे जीरो आ गया, फिर ऐसे ही मेरे भाई यहां पे हमारा 1 आ गया, फिर ऐसे ही हमारा विनय सर यहां पे 2 आ गया, और ये हमारा 3 आ गया. तो ये हमारा मेन स्केल है. दिस इज यू नो माय मेन स्केल. और ऐसे ही मेन स्केल के बीच में, ये बीच में एक यहां पे इसकी 5th डिवीजन भी आएगी, ठीक है जी. और ऐसे एक इनकी 5th डिवीजन भी आएगी, और एक यहां पे भी आएगी. और ऐसे ही मेरे बंधु यहां पे अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम यहां पे देखें, तो ये एक आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये एक आएगा 4, है ना. यार मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड अगर हम रुकें, आई सजेस्ट एक काम करते हैं, रुकिए जरा, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है जी. पहले एक एक करके बनाते हैं, आ जाओ. तो देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है, हमारा सबसे पहला डिवीजन यहां पे आएगा, फिर ये देखो 2, फिर ये 3, फिर ये बेटा हमारा 4, ध्यान से सुनना बच्चों, ये फिर आएगा बेटा हमारा 5, ये 5 वाला थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, ये फिर आएगा 8, फिर आएगा हमारा 9, और फिर ये लास्ट वाला हमारा आएगा बेसिकली 10. ये लास्ट वाला फिर आएगा विनय सर हमारा 10, ठीक है. तो जरा ध्यान से देखना बेटा, तो ये हमारा बेसिकली एक मेन स्केल डिवीजन है, ध्यान से सुनना बच्चों. तो दिस लेंथ इज यू नो गाइस माई, ये कौन है, इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन, जिसकी वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर. यस विनय सर, ये हमारा 1 मिलीमीटर के बराबर है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों. अब ऐसे ही इसके नीचे एक और स्केल है, ध्यान से बेटा देखते जाएं, इसके नीचे एक और स्केल है मेरे बच्चों, और वो जो स्केल है वो है हमारा कौन सा स्केल विनय सर, वो हमारा वर्नियर स्केल है. तो मैं अगर आपके सामने बेटा वर्नियर स्केल बनाऊं, ध्यान से देखना मेरे भाई, बड़ा आनंद आने वाला बेटा, अगर स्वाद लोगे तो बहुत आनंद आएगा. तो अगर मैं इसके नीचे एक वर्नियर स्केल बनाऊं, है ना, लेट्स से ये मेरा एक वर्नियर स्केल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो आपको यहां पे नजर आएगा इसका जो है पहला डिवीजन, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू अगर 1 mm है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये अभी हमने निकाली है किसके बराबर थी, ये थी हमारी 0.9 mm. ये थोड़ी सी छोटी है, 1 mm से भी छोटी है, तो उसकी पहली डिवीजन, उसकी जो पहली डिवीजन है उसकी पहली डिवीजन से थोड़ी सी पीछे आएगी, है ना. उसका रीजन आप जानते हैं, ये बात, ये हमारा 9, बेसिकली 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर के बराबर है, तो उसकी 9th डिवीजन पे उसकी 10 डिवीजन आ रही है, तो डेफिनेटली बेटा वो वाला छोटा होगा, और डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी है, वो उससे कम है. वो अगर 1 मिलीमीटर है तो ये हमारी 0.9 मिलीमीटर है, ठीक है. देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, कई बार क्वेश्चन के अंदर वो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm की बजाय 0.5 mm बोल देता है, वो अपने आप से कोई नया मेन स्केल बना लेगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, बेसिक जो है पहले उसको आप समझिए. तो ये हमारी जो डिवीजन है ये इससे थोड़ा सा पीछे आएगी,
ऐसी जो सेकंड डिवीजन है वो उसकी सेकंड डिवीजन से पीछे आएगी, जो थर्ड डिवीजन है वो उसकी थर्ड डिवीजन से पीछे आएगी, जो फोर्थ डिवीजन है वो उसकी फोर्थ डिवीजन से पीछे आएगी, और जो फिफ्थ डिवीजन है वो उसकी फिफ्थ डिवीजन से पीछे आएगी। ऐसी सिक्स्थ वाली उसके पीछे आएगी, सेवन्थ वाली उसके पीछे आएगी, एट्थ वाली उसके पीछे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसकी जो एट्थ होगी उससे पीछे जो है उसकी एट्थ आएगी। तो मैं अगर आपके सामने यहाँ पे बेटा सिंपल सी भाषा में अगर कंक्लूड करना आप शुरू करूं कि विनय सर ये जो है ये हमारी है वन वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वन वर्नियर स्केल डिवीजन है जिसकी वैल्यू विनय सर कितनी है 0.9 mm। तो यार ये जो है ना इनके बीच का गैप, ये जो है गैप, इस गैप को, इस गैप को कहते हैं लीस्ट काउंट। ये हमारा लीस्ट काउंट होता है, इनके बीच में जो गैप है इसको क्या कहते हैं विनय सर, लीस्ट काउंट। और इसकी विनय सर जो वैल्यू होती है वन लीस्ट काउंट की, आप देख सकते हो वन मेन स्केल में वन वर्नियर स्केल हमने माइनस कर दिया, वन मेन स्केल में दिस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन, वन लीस्ट काउंट जो है ये किसके बराबर है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू जो निकल के आती है अगर आप इसमें से ये 1 mm में से 0.9 माइनस करो, ये 0.1 mm हमारा निकल आएगा, जिसको आप बेटा 0.01 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये लीस्ट काउंट क्यों है, ध्यान से अकल से सोचना बेटा। यार अगर मान लो इसकी पहली लाइन से ओवरलैप की जाए, मतलब मैं अगर इस स्केल को मूव करूं और मूव करके ये लाइन इसके साथ अगर ओवरलैप करे, तो उस केस में आपका कितना शिफ्ट हुआ, इस येलो लाइन को जरा विजुलाइज करो, इस येलो लाइन को अगर मैं आगे शिफ्ट करूं और ऐसे शिफ्ट करूं कि यार ये वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो एक लाइन अगर इसकी इसकी फर्स्ट डिवीजन अगर इसकी फर्स्ट डिवीजन से ओवरलैप होगी तो ये कितना शिफ्ट हुआ होगा, ये 0.1 mm बच्चों शिफ्ट हुआ होगा। अब ऐसे बच्चों जरा थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं आपसे पूछूं यार ये जो है सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इनके बीच में कितना गैप है, तो ये गैप की वैल्यू बेटा आपको पता होनी चाहिए, इट इज 0.2 mm बेसिकली, है ना, इसी का डबल है ना, 0.1 mm का डबल। कैसे, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, देखो ये हमारा टोटल है, ये विनय सर हमारी टोटल है, देखो ये भी हमारा 1 mm है, ये भी हमारा 1 mm है, ये भी 1 mm है, ये भी 1 mm है, मेरी बात आप समझ रहे हो। तो ये 0.9 है, ये भी 0.9 है, तो टोटल हो गया 1.8, ये हो गया टोटल 2, तो 2 में से 1.8 माइनस करो तो 0.2 mm आएगा। तो सेकेंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल और सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में जो डिस्टेंस का मात्रक, जो अंतर है, वो जो गैप है, वो गैप है विनय सर हमारा कितना, 0.2 mm। अब जरा ध्यान से सुनना, ये हमारा बेसिकली मूवेबल है, ये जो स्केल है नीचे वाला ये कौन है विनय सर, ये मूवेबल स्केल है। तो अगर मैं इसे बेटा मूव करूं और सेकेंड लाइन सेकेंड से ओवरलैप कर जाए, सेकेंड लाइन सेकेंड से ओवरलैप कर जाए, समझ रहे हो, ये जो लाइन इसकी सेकेंड डिवीजन उसकी सेकेंड से अगर ओवरलैप कर गई, तो बेसिकली अगर इसको उसके साथ ओवरलैप करवाना है, इसकी सेकेंड जो लाइन है उसको अगर ऊपर वाली लाइन से अगर मुझे ओवरलैप करना है, तो कितना शिफ्ट मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 0.2 mm। और ऐसे ही मेरे बच्चों अगर थर्ड का थर्ड से गैप निकालो, तो ये जो गैप है ये हमारा गैप है 0.3 mm, और ऐसे ही फोर्थ का फोर्थ से अगर गैप निकालो तो ये है हमारा कितना 0.4 mm। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं यहां से फोर्थ लाइन को ऊपर वाली लाइन से, इसकी वर्नियर स्केल की फोर्थ लाइन को अगर ऊपर वाली फोर्थ लाइन से अगर ओवरलैप करूं, तो उस केस में जो शिफ्ट होगी हमारी, शिफ्ट गिवन बाय वर्नियर स्केल, मेरी बात समझ रहे हो, वर्नियर स्केल ने कितनी शिफ्ट दी, तो जो भी लाइन हमारी ओवरलैप हुई है, लाइन ओवरलैप्ड मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मेरी बात से आप सहमत हो, अगर हमारी लाइन मान लो सेकंड वाली उससे ओवरलैप हो रही है, तो सेकंड इनटू 0.1 mm, ऐसे ही अगर फोर्थ लाइन उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है 4 into 0.1 mm, तो उतना शिफ्ट एक्स्ट्रा हमारा इंक्लूड हो जाएगा। अब ये सारी कहानी है क्या, मैं आपसे जो है इसको पूरा जोड़ता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, सीधा आपके सामने बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यही बात मैं आपको कह रहा था कि अगर मेरी फर्स्ट लाइन इसके साथ ओवरलैप कर जाए, फर्स्ट लाइन ओवरलैप कर जाए, तो आप देख रहे हो बेटा ये फर्स्ट लाइन, इट इज बेसिकली
फर्स्ट लाइन ऑफ बेसिकली वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है, अगर ऊपर वाली लाइन से ओवरलैप कर गई तो बेसिकली कितना शिफ्ट हुए, ये देखो ये शिफ्ट तुम्हें दिख रही है, दिस इज बेसिकली द शिफ्ट प्रोड्यूस, ये जो शिफ्ट है ये हमारी बेसिकली 0.1 mm की है। मेरी बात तो आप समझ रहे हो, ऐसे ही मेरे बच्चों है ना, मतलब अगर मैं इसे खिसकाऊं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये 1 और 1 जो है ये अभी ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं इसे जस्ट जूम करके यहां पे अगर इन्हें ओवरलैप कराऊं तो कितना डिस्टेंस बेसिकली मैंने मेजर किया, मैंने 0.1 mm मेजर किया। और इसी को तो लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि तुम कितना मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो देखो जो नॉर्मल स्केल है वो हमारा 1 mm मेजर कर सकता है, तो हमने एक और स्केल बनाया जिसकी डिवीजन 0.9 mm थी और थोड़ा सा एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर दे दिया जिससे हम इनडायरेक्टली 0.1 mm मेजर कर पा रहे हैं। देखो 0.1 mm का कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन 1 mm के हैं, डिवीजन 0.9 mm के हैं, 0.1 mm तो हम सिर्फ एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर बना के इसको बस शिफ्ट कर करके इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। हाँ यार, अगर ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट से ओवरलैप कर गई, अगर इसकी फर्स्ट लाइन, मेरी बात समझ रहे हो, फर्स्ट लाइन अगर इसकी फर्स्ट लाइन से अगर ओवरलैप कर गई तो मतलब जो शिफ्ट हुआ होगा वो 0.1 mm हुआ होता। ऐसे बेटा अगर ये सेकंड लाइन इसके साथ ओवरलैप की होती तो बेसिकली वो जो गैप है जो शिफ्ट चले होते वो 0.2 चले होते। तो ऐसे थर्ड अगर थर्ड से ओवरलैप की होती तो 0.3, फोर अगर फोर से ओवरलैप हुआ होता तो 0.4। तो इनडायरेक्टली बेटा हमने उसे मेजर कर लिया। अब मैं आपके सामने ना, है ना, ये सारी मैंने कहानी आपके लिए लिख दिया प्रॉपर, जो हम बेसिकली लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और स्टैंडर्ड केस जो मैंने आपको बोला है 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल से ओवरलैप करती हैं। तो एक 10 है तो दूसरा 9 है, तो n और n माइनस 1 जनरल यहां पे लिख रखा है, बाकी यस क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करता है, बट हाँ आप अगर जनरल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट हाँ ऑन द स्पॉट जो मैंने आपको बताया मेन स्केल डिवीजन निकालो, वर्नियर निकालो, और बाय डिफॉल्ट 9 हमारा मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल से ओवरलैप करते हैं, वहां से आप अपना वर्नियर स्केल का डिवीजन निकाल के माइनस करके आप अपना लीस्ट काउंट दे सकते हो। तो सीधा बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो ये हमारा है आपके सामने एक रीडिंग, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये एक रीडिंग है। अब देखो यार, ये हमारी बेसिकली कोई एक रीडिंग है, ये कोई एक रॉड है जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये मान लो हमने जॉज के बीच में फंसा दी है ना, ये दो जॉज है उनके बीच में इस रॉड को मैंने बच्चों फंसा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, अगर हम इसकी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं कि ये बेसिकली ये लेंथ कितनी है, उद्देश्य है इसकी लेंथ को निकालना, क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है विनेसर इसकी लेंथ को निकालना, ये लेंथ कितनी है। तो ये नॉर्मल स्केल क्या करता है, नॉर्मल स्केल मान लो ये हमारा 0 है, ये हमारा 5 है, ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन देखो ये हमारी बेसिकली है ना, ये हमारी आप देख सकते हो ये हमारी एक डिवीजन है ना, बेसिकली इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन, मेरी बात समझ रहे हो, दिस इज माय 1 मेन स्केल डिवीजन, ये एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो आप देख सकते हो बेटा ये हमारा बेसिकली 6 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप देख रहे हो ये 6th रीडिंग है, बेसिकली दिस इज माय 6th रीडिंग, इट इज 6th मेन स्केल डिवीजन। तो मेरी ये जो भी लेंथ होगी ये बात तो पक्की है, इट इज बेसिकली 6 मिलीमीटर प्लस एक एक्स्ट्रा वैल्यू एक्स, है ना, तो 6 mm तो है, लेकिन 6 mm से, मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहां कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पे हमारा 6 mm तो है लेकिन 6 mm के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है इसे मैं एक्स कह देता हूं, ये एक्स है, लेट्स से दिस इज एक्स। अब मुझे इस एक्स की वैल्यू को निकालना है, बेटर है मैं इसे यहां से लिख दूं कि ये एक्स्ट्रा है कुछ एक्स। अब ये एक्स्ट्रा कितना है वो आपको कैसे पता चलेगा, जितना हमारा बेसिकली ये देखो ये जितना हमारा बेसिकली ये जो हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है जितना ये आगे शिफ्ट हुआ, अब ये आगे कितना शिफ्ट हुआ वो हमें पता चलेगा कौन सी लाइन ओवरलैप कर रही है। तो मेरी बात समझ रहे हो, कौन सी लाइन ओवरलैप कर रही है, ये देखो ये इसकी फर्स्ट डिवीजन, ये इसकी सेकंड, तो सेकंड डिवीजन ऊपर वाले से ओवरलैप कर रही है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा, देखो अगर ये जीरो हमारा एग्जैक्टली ये देखो ये हमारा ऊपर मेन स्केल है विनेसर, ये हमारा मेन स्केल है, तो अगर हमारा वर्नियर स्केल का, ये हमारा नीचे वर्नियर स्केल है उसका जीरो बिल्कुल इसके साथ ओवरलैप करता तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हो क्या होता, बहुत सिंपल होता, जीरो अगर जीरो के साथ ओवरलैप करता तो गेम हमारी बिल्कुल सेट होती, बट हमारा हुआ क्या, हमारा जो रॉड है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे आ गया,
अब ये एक्स्ट्रा जब आगे आएगा इतने पार्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इतना पार्ट कॉम्पनसेट करने, तो वो जो आगे शिफ्ट हुआ वो हमें पता लगता है कौन सी लाइन ओवरलैप कर गई, तो हमारी सेकेंड लाइन ओवरलैप कर गई। तो आप समझ रहे हो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, ये जो x आपके सामने निकला है इस x की वैल्यू को कैसे निकालोगे, सर सेकंड लाइन ओवरलैप की है तो सेकंड द लाइन ओवरलैप इनटू द लीस्ट काउंट, इनटू द लीस्ट काउंट तो मतलब 2 इनटू 0.1 mm, तो आप लिख सकते हो 0.2 मिलीमीटर। तो एक्स्ट्रा जो और वो शिफ्ट किया वो किया 0.2 मिलीमीटर, और हमारी पहले जो लेंथ थी वो 6 थी, तो हमारा आंसर 6 से ज्यादा है, तो हमारी फाइनल जो लेंथ निकल के आएगी वो 6 point, इसकी वैल्यू 0.2 है तो 6.2 मिलीमीटर। बेटा मुझे ऑनेस्टली बताओ ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना? तो मैं अगर तुम्हारे सामने बोलूं, अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में बल्ले बल्ले कर दो, मैं अगर तुम्हारे सामने कंक्लूड करूं कि किसी भी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे देनी है, यार अब सीधी भाषा में सर ये कहानियां बहुत सुना दी, तो कैसे रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग ऐसे ली जाती है यार, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की जो रीडिंग आई है, सीधी सी बात है मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो ले लो, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है और उसमें कुछ तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, और वो कैसे ऐड करोगे, लीस्ट काउंट इनटू लाइन ओवरलैप, सीधी बात है, इसके आगे कुछ भी हमें पता होने की जरूरत है ही नहीं, इसके आगे हमें कुछ भी पता होने की जरूरत है ही नहीं। यस सर डन है। अगर नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे आप देख सकते हो इन डिटेल ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। यस सर बल्ले बल्ले डन है। तो ये सारी बेटा हमारी मोटी मोटी कहानी है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये हाईलाइट हो रही है, सेकेंड लाइन हमारी ओवरलैप हो रही है, तो आप इसे ऐसे देख सकते हो। हमारा अगेन मैं आपके सामने क्विकली रिकैप कर देता हूँ, ये हमारी 6th मेन स्केल डिवीजन है, 6th मेन स्केल डिवीजन है, तो आप देख सकते हो 6th में थोड़ा सा और हमें ऐड करना है, तो आंसर और सेकंड लाइन हमारी ओवरलैप कर रही है तो 6 में थोड़ा सा हमें ऐड और करना है, 6 mm तो है ही है, मेरी बात समझ गए, बिल्कुल वही वाली स्टोरी, 6 मिलीमीटर तो है ही है और उसमें ये थोड़ा सा जो गैप है ये और हमें ऐड करना है, बिकॉज 0 ऊपर वाली लाइन के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये कितना शिफ्ट हुआ वो ये लाइन ओवरलैप आपको बताएगी। सर सेकंड लाइन ओवरलैप कर रही है, सेकंड इनटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.1, तो आप देख सकते हो 6.2 मिलीमीटर हमारा आंसर निकल आता है। ठीक है जी, तो ये सारी बेटा हमारी स्टोरी है, बाकी मुझे लगता है आप सबने इसे कर लिया होगा। ठीक है जी, तो बेटा अब आइए आपके सामने एक ना मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है ना, लेट अस कम आउटसाइड, एक आपको सामने ये मैं एक सिमुलेटर बेटा दे रहा हूँ, इस सिमुलेटर का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपनी मर्जी से सिमुलेटर को बेटा ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं, बाहर निकलता हूँ, तो बेटा देखिए जरा यहाँ पे ये हमारी आज की एक तो वीडियो चल रही है, ठीक है, तो ये बेटा एक हमारा सिमुलेटर है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ पे आराम से इसे ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरा समझ में आता है। मैं चलो इसे चला के दिखाता हूँ, यह काम करते हैं अपन ना, मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है छोटा सा, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो के थ्रू इसे चलाता हूँ, है ना, लेट मी प्ले थ्रू अ वीडियो, बाकी आप इस सिमुलेटर को अपने हिसाब से यूज करिएगा, है ना। तो मैं आपको एक वीडियो मैंने इसमें से निकाल के दिखाया ताकि आप लोगों को आराम से सारी स्टोरी समझ में आए। तो देखो यार, सब बच्चे स्क्रीन पे जरा पूरा दिमाग लगा के यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारी बेटा एक प्यारी सी वीडियो है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये वीडियो हमारी प्ले हो रही है, चलो हो जा भाई, खुल जा सिम। तो देखो भैया वीडियो हमारी प्ले हो गई, ठीक है, तो हम इसको स्लाइड कर सकते हैं, फिर इसमें से हमने कोई एक सफियर उठाया और उठा के इसे रख दिया, और यहां पे जो भी हो रहा है उसका जूम वर्जन आपको यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है ना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, शुरू से देखो, है ना, ये हमारी देखो यहां पे इसको आप मूव कर सकते हो, ये हमारा वर्नियर स्केल है, मान लो सफियर का डायमीटर मेजर करना है, उठा के मैंने इसको यहां पे इसके बीच में फिट किया, और एक मिनट पॉज हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस सफियर को उठाया, इसे उठा के बच्चों, इसे उठा के मैंने यहां पे उठा के रख दिया, देखो जरा ध्यान से, आ जा भी आ जा, है ना, तो मैंने इस सफियर को उठा के बेसिकली यहां रख दिया, इसके बीच में रख दिया। अब यहां पे ये जो भी वर्नियर स्केल, ये एक तो नॉर्मल स्केल है, ये मेन स्केल हो गया, ये नीचे वाला हमारा वर्नियर स्केल है, ये इसका जूम इफेक्ट आपको यहां पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहो, और हमें जो भी इसकी रीडिंग लेनी है आपको, अब जो भी रीडिंग दिख रही है आप अपना दिमाग लगाएं, उस रीडिंग की वैल्यू को आपने बाद में यहां पे पुट करना है और चेक करना है बाद में कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो आओ जरा मिलकर रीडिंग लेते हैं, सब बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें,
विनय सर देखो ऐसा है कि ये हमारा वन है, ये हमारा बेसिकली वन सेंटीमीटर है, ये हमारा टू सेंटीमीटर है, और आप देख रहे हो बेटा ये हमारा जो जीरो है ये वन से जस्ट पीछे आ रहा है, वन से जस्ट पीछे इसका जीरो आ रहा है, तो मतलब आप समझ गए। तो बेसिकली नाइन मेन स्केल डिवीजन, नाइन मेन स्केल डिवीजन से थोड़ा सा ज्यादा है, नाइन मेन स्केल डिवीजन से थोड़ा सा ज्यादा है। तो कैसे करोगे, हमारा जो लेंथ होगा ये जो भी हमारा डायमीटर है, ये जो भी हमारा विनेसर डायमीटर है ये किसके बराबर है, ये है 9 mm, 9 मिलीमीटर तो है ही है, और 9 मिलीमीटर से, 9 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, ये गैप है, मेरी बात समझ रहे हो, ये एक्स्ट्रा गैप है। देखो 1 के पीछे 0 है मतलब 9 के आगे है, तो मतलब 9 से थोड़ा सा आगे हमारा वो शिफ्ट हुआ है, तो आंसर होगा 9 plus something mm में अगर मैं वैल्यू दूं, ठीक है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, वो देखो कौन सी लाइन ओवरलैप कर रही है, तो मैं देख पा रहा हूं बेटा ये वाली जो लाइन है, ये जरा ध्यान से स्क्रीन पे देखिए बेटा, ये हमारी ओवरलैप कर रही है बेटा, है ना, ओवरलैप, ये जो भी मेरी बेटा इंग्लिश है कुछ ऐसी सी है, आप समझ जाओ। चलो ये हमारी विनय सर क्या कर रही है, ये ओवरलैप कर रही है। अब अगर आप थोड़ी सी बेटा यहां पर अकल लगाओ, ये देखो जरा ये कौन सी रीडिंग है, देखो ये हमारा फिफ्थ डिवीजन, ये सिक्स्थ डिवीजन, ये सेवंथ डिवीजन, तो ये एट्थ डिवीजन है, ये कौन सी है विनय सर, ये विनय सर हमारी एट्थ डिवीजन है। तो एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ओवरलैपिंग विद अबव यू नो मेन स्केल, तो एट टाइम्स मैं जो देख पा रहा हूं बच्चों लीस्ट काउंट, एट टाइम्स लीस्ट काउंट मतलब 0.1 mm, तो 9 mm प्लस 8 × 0.1 mm, तो बेसिकली 9.8 मिलीमीटर मेरा आंसर है। और इसको अगर मैं सेंटीमीटर, यहां पे रीडिंग सेंटीमीटर में चेक कर रहे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 0.98 सेंटीमीटर, तो यहां पे बेटा वैल्यू डाल देते हैं 0.98, आप देखना क्या ये सही आएगी बेटा, जल्दी बताओ सहमत हो सभी, 0.98 आंसर आ रहा है अपना, डन, तो 0.98 आंसर आ रहा है, चेक करते हैं बेटा ये कुछ कुछ मेजर किया, और चल हाँ चल बेटा, तो देखो जरा अब यहां पे हमने एक रीडिंग डाली, आप इसको पॉज करके अपनी रीडिंग डालना, डाल दे भाई 0.9, और यहां पे फिर ये चेक हुआ एट्थ ओवरलैप कर रहे हैं, उसने ऑब्जर्व किया नोटिस करके, वहां पे फिर 8 डाल दिया, 0.98 डाला, और देखो टिक आ गया बेटा, देख रहे हो टिक आ गया, समझ रहे हो, 0.98 डाला, देखो भाई आ गया हमारा 0.98 डाला, देखो जरा टिक आ गया, 0.98 डाल के टिक आ गया, मतलब बिल्कुल हमारी जो रीडिंग है ये हमारी ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आपको इसी सिमुलेटर का लिंक दे दूंगा, यहां पे आप और भी बहुत कुछ मेजर कर सकते हो, ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ऊपर वाली जॉज में आप इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर मेजर कर सकते हो, तो देखो जरा आप, है ना, ऊपर वाला जो हमने वो बीकर सिलेक्ट किया, तो देख रहे हो, तो इसको ऐसे करके ना क्या किया हमने, बेसिकली उसके बीच में इंटरनल डायमीटर मेजर किया। अब यहां पे वीडियो को बेटा पॉज कर देना, अब ये जो भी हमारी रीडिंग आ रही है इस रीडिंग को बेटा यहां पे रीड करो, रीड करने के बाद अपनी वैल्यू यहां पे डाल लो, उसे आप चेक करो और आपको समझ में आएगा कि आप आ रहे, तो ये सब आप खेल सकते हो, ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी करो। तो ये हमारा सिमुलेटर का लिंक है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो ये हमारा लिंक आप करके उठा के बेटा खेल के, जैसे जो भी चीज तुम डालते हो उसको बाद में यहां पे इसके अंदर फिट करो, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग को देखो जो तुमने रीड की, उसके बाद यहां पे वैल्यू डालो, चेक करो तुम्हारा आंसर ठीक है या गलत है। तो खेल लेना, ये थोड़ा बहुत आप खेलोगे तो अपने हिसाब से थोड़ा जूम भी कर सकते हो, अपने घर पे बहुत कुछ कर सकते हो, है ना, अच्छे से इस रीडिंग को और ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो आओ चलो ये खेल लेते हैं, अगर तुम्हारा मन है खेले क्या, आओ बताओ जरा इसका आंसर क्या, आओ जरा चलो सभी बच्चे आओ जरा गैस करो, आओ अभी की अभी खेल लेते हैं, ये तुम्हें स्क्रीन पे जो दिख रहा है बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो जरा ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये देखो ये हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा बेसिकली ये 3, तो ये आ जाएगा 3.1, ये आ जाएगा 3.2, समझ रहे हो, तो ये 3.2, तो जो भी हमारी ये जो लेंथ है, ये जो भी हमारी लेंथ है ये होगी 3.2, देखो ये सेंटीमीटर में, अब ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेंटीमीटर है, है ना, यहां इसको अगर mm में लिखना है तो 32 mm भी लिख सकते हो, ये मिलीमीटर में अगर तुम देखो तो 32, है ना, ये 3 सेंटीमीटर तक 30 डिविजन आ जाती है, नॉर्मल स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन है, एक डिवीजन अगर 1 mm है तो 30, मेरी बात समझ रहे हो, ओरिजिन से अगर चलोगे तो ये 3 सेंटीमीटर का मतलब 30 मिलीमीटर हो गया, तो 31 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर, तो 32 मिलीमीटर पे तुम खड़े हो,
या 3.2 सेंटीमीटर लिख दो या 32 मिलीमीटर लिख दो, बात एक ही है। अब इसमें हमें कुछ और ऐड करने, प्लस और ऐड करने। अब वो ऐड जो करना है कैसे करोगे, ये जो तुम्हें गैप दिख रहा है ये गैप हमें और उसमें डालना है, एक्स्ट्रा है 32 से थोड़ा सा ज्यादा। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन हमारी ओवरलैप कर, लवली 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 बेटा देखो जरा ध्यान से देखो, ये लवली हमने है ना, लवली बड़ा मजा आ रहा है। तो सिक्स फाइव के बाद आ रहा है सिक्स, सिक्स वाली जो लाइन है उसके साथ ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो सिक्स है ना हमारी ओवरलैप कर रही है, तो सिक्स इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट अगर मिलीमीटर में याद रखो तो होता है 0.1 mm, और यही अगर सेंटीमीटर में तुम याद रखो तो होता है लीस्ट काउंट हमारा 0.01 सेंटीमीटर। तो मुद्दे की बात, ये जो रीडिंग आ रही है अगर मिलीमीटर में निकाले तो मेरे नमूनों 32.6 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में निकालो तो 3.26 सेंटीमीटर। तो जैसे मर्जी आपको ऑप्शन में आंसर दिया जाए है ना, आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। यार बल्ले बल्ले कर दो यार, समझ में आ गया हमने कितना इन डेप्थ डिटेल यू नो आपको बताया है। स्वाद आ रहा है, लाइक कर दो फटाफट, टमाटर बना दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे बच्चे चैनल पे शायद पहली बार आज इस कंटेंट को देख रहे हो, ठीक है जी। तो यार ये हमारा मोटा मोटा बेटा वर्नियर कैलिपर की कहानी थी, मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है जी। बाकी आप अपना घर पे भी इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। आइए अब आपके साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो कमर कस लीजिए, वर्नियर कैलिपर के सवाल अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है जी। पहला सवाल आपके सामने है बेटा, 2021 का 16 मार्च का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखो यार, अगर दिमाग में ये जो मैंने आपको पढ़ाया अगर वो क्लियर है तो क्वेश्चंस बड़े आराम से मक्खन मलाई की तरह होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, बच्चे बेवकूफी करते हैं, मेंस और एडवांस में वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन बहुत डुएबल आता है, आप बस छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है, छोड़ो मत। सवाल है, कह रहे हैं मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। हमारी जो एक मेन स्केल डिवीजन है वर्नियर कैलिपर की वो ए सेंटीमीटर के बराबर है, दैट इज ए सेंटीमीटर, ठीक है जी। लिखते जाओ साथ साथ बच्चों, लिखते जाओ ए सेंटीमीटर। एंड nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n माइनस 1 ऑफ मेन स्केल। अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो हमें ये कह रहा है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल की n माइनस 1 डिवीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, n माइनस 1 बाय n इनटू बेटा मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। अब आपको अगर बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, यूजुअली n की वैल्यू 10 होती है, तो 10 वर्नियर स्केल 9 मेन स्केल से ओवरलैप करता है, अगर जनरल निकालनी है तो जनरल निकाल लो, है ना। तो अब आप देखो बेटा ये हमारा आ जाएगा 1 वर्नियर स्केल, और अगर तुमसे कोई पूछे भैया लीस्ट काउंट कितने है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आप बेटा उठा के रख दो। तो मैं अगर आप लोगों के लिए इसे सॉल्व करूं तो लीस्ट काउंट बेटा मेरा निकल के आ रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल इज n माइनस 1 बाय n इनटू मेन स्केल। तो अगर आप यहां पे एलसीएम ले लो तो लीस्ट काउंट की वैल्यू n से n कट जाएगा, 1 बाय n इनटू मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन जो है वो a सेंटीमीटर है, तो a बाय n सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो a बाय n सेंटीमीटर है, और अगर mm में देना है आंसर अगर mm में देना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसे आगे आप फर्दर लिख सकते हो इनटू 10 करके, तो 10 a बाय n मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है वो है हमारी 10 a बाय n मिलीमीटर। यस सर, गुड आफ्टरनून बेटा जी, ठीक है जी। तो मिलीमीटर में अगर आंसर दो तो 10 a बाय n, ए ऑप्शन अपना सही जवाब है, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो इसी साल का, ये 2022 का सवाल है, 2022 का सवाल है, रीड करो जरा, देखो जरा कर पाओगे, रीड करें जरा। क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसकी 20 डिविजन्स हैं पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक हमने माइक्रोस्कोप को ट्रेवल किया, उसकी 20 डिविजन्स हैं पर सेंटीमीटर, इसका मतलब समझ रहे हो, पर सेंटीमीटर अगर हमारी 20 डिविजन्स हैं ऑन द मेन स्केल, ये मेन स्केल की बात हो रही है, तो 1 मेन स्केल डिविजन किसके बराबर हुई, 1 मेन स्केल डिविजन किसके बराबर हुई हमारी पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, है ना। तो 1 सेंटीमीटर पे 20 डिविजन्स हैं, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 बाय 20 सेंटीमीटर, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों। कोई एक माइक्रोस्कोप होगा जहां पे 1 सेंटीमीटर पे 20 डिवीजन है मेन स्केल पे, तो एक मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी, है ना, एक मेन स्केल की जो रीडिंग होगी वो होगी हमारी 1 बाय 20 सेंटीमीटर, है ना। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े और आगे बढ़े तो ये कह रहा है वर्नियर स्केल की 50 डिविजन है,
ठीक है, तो वन, हाँ 50 डिविजन वर्नियर स्केल में है, और 25 वर्नियर स्केल डिविजन आर इक्वल टू 24 मेन स्केल डिविजन। वो हमें ये कह रहा है कि 25 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 24 मेन स्केल डिविजन। तो मुझे लगता है बच्चों हमारा एक वर्नियर स्केल डिविजन की वैल्यू आ जाएगी 24/25 मेन स्केल डिविजन। तो बच्चों आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, बस वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कई बार क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं और आपसे लीस्ट काउंट पूछा होगा, वही पूछ रहा है, देखो उससे ज्यादा उसकी इज्जत ही नहीं है। तो अब लीस्ट काउंट बेटा निकालना है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वन मेन स्केल डिविजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिविजन, वन मेन स्केल डिविजन माइनस वन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल को फिर लिख दो बेटा 24/25 मेन स्केल डिविजन, और बेटा अगर आप एलसीएम लो तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ रही है 1/25 है ना, 1/25 मेन स्केल डिविजन, और मेन स्केल की डिविजन आपके सामने है, तो इट इज 1/25 मेन स्केल डिविजन जो है वो है मेरी 1/20 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट बेटा ये जो भी निकल के आया मैं देख पा रहा हूं 1/500 सेंटीमीटर, और इसे मैं देख सकता हूं ये हमारा आएगा 0.02 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से, जो मैं देख पा रहा हूं, सॉरी अगर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो 2 × 10⁻³, हाँ तो ये आएगा हमारा बेसिकली 2 × 10⁻³। तो दिस कम्स आउट टू बी माय डियर फ्रेंड्स 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको बस आगे मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 0.002 सी ऑप्शन अपना सही जवाब है, देख रहे हो। तो सीधा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखते हुए बच्चों सॉल्व करना है। तो वर्नियर कैलिपर बेटा हमारा हो गया, अब बस इसके अंदर छोटी सी एक बात हमें और सीखनी है, जहन में रखिएगा, और बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, वो है हमारी एरर की, कि किसी भी कैलिपर में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं ये कैसे पता चलता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका रूल है बेटा, अगर तो हमारा मेन स्केल का जो जीरो है, जीरो ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड करे जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, नीचे हमारा वर्नियर स्केल है, ऊपर वाले जो भैया हैं हमारे वो कौन से भैया हैं, वो हमारे मेन स्केल वाले भैया हैं, अगर इन दोनों के जीरो ओवरलैप कर जाएं, इन दोनों के जीरो अगर ओवरलैप कर जाएं, तो उस केस में हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, इट इज नो जीरो, एरर जो होता है वो जीरो का होता है, जीरो मतलब जब जीरो जीरो से कोइंसाइड नहीं करता, तो अगर जीरो जीरो से कोइंसाइड कर जाए मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अब आपके सामने बेटा लॉजिकल बात है, अब दो तरह के एरर आएंगे, या ये जीरो वर्नियर स्केल का राइट में आ जाए तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। आप सोच के देखो बेटा पॉजिटिव एरर क्यों है यार, हमारे मान लो जॉज आपस में, देखो यहां पे जॉज लगे होते हैं ना, ये देखो ये यहां पे इधर ये एक जॉज ऐसे करके ये प्रॉपर जॉज लगे होते हैं, तो जब ये जॉज आपस में जुड़े हुए हैं और जीरो जीरो के साथ ओवरलैप हो रहा है तो मतलब हमारी अभी रीडिंग जीरो है। अब मान लो जॉज के बाद डिफेक्ट आ जाता है, जॉज जॉज के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन जीरो फिर भी राइट पे शिफ्ट हो रहा है ना, मैकेनिकल एरर आ गया, जॉ जॉ से जुड़ा हुआ है मतलब आपने बीच में भी कुछ डालना नहीं है लेकिन फिर भी हमारा अगर जीरो राइट पे आ जाए मतलब कुछ हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू की रीडिंग आ रही है, तो हमारा एरर उस केस में पॉजिटिव होगा, हमें हमारे आंसर में माइनस करके देना होगा। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, ये जैसे अब यहां पे मैं अगर आपको बताऊं, आप यहां पे जरा ध्यान से देखें कि यार ये देखो हमारा पहला जॉ है और इसके साथ ये दूसरा जॉ भी लगा हुआ है, ये जो दूसरा जॉ होता है ये मेन स्केल के साथ इसे अटैच होता है, तो जॉ जॉ के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन हमारा जीरो जीरो पे ओवरलैप नहीं कर रहा, तो मेन स्केल का जीरो ये है और नीचे वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो ये है, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे, और अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो राइट की तरफ आ जाए तो वो जो एरर होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। बच्चों अब ये पॉजिटिव जीरो एरर क्यों है ये भी बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, तो ये जो रीडिंग है ये वाली, इस रीडिंग का नाम एरर है, ये हमारा एरर है ना, ये एक्स्ट्रा एरर है। अब इसे पॉजिटिव एरर क्यों बोला, क्योंकि यार ये एक नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू हमें दे रहा है, देखो रीडिंग जीरो होनी चाहिए बट स्टिल हमारा हम वर्नियर स्केल थोड़ा आगे खिसक गया, और कितना लेंथ आगे खिसका वो अब आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, आपको पता है यार ये वाली लाइन देखो हमारी, देखो ये वाली लाइन ओवरलैप कर रही है, देख रहे हो दिस लाइन इज ओवरलैपिंग, तो फोर्थ डिवीजन जो है 5 के जस्ट पीछे वाली हमारी मेन स्केल से ओवरलैप कर रही है, तो बेसिकली 4 × 0.1 mm है ना लीस्ट काउंट जो होता है हमारा, तो बेसिकली 0.4 मिलीमीटर का मेरे पास पॉजिटिव एरर है। अब आप जरा ध्यान से सोचो ये हमारा पहले से एरर है, अब मान लो मैंने इसको और खिसकाया और हमने बेटा उसके अंदर अगर मान लो एक सफीर डाला डायमीटर को मेजर करने के लिए, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है
कि यार पहले से वो ऑलरेडी 0.4 एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रहा था। अब मान लो मैंने जब इसके अंदर डाला और हमें रीडिंग दिखी 0.9 मिलीमीटर, मान लो आपने इसके अंदर सिर्फ ये डाल दिया और अब आपने वही जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसे रीडिंग निकाली 0.9, अब आपको पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर था। तो अगर हमने पॉजिटिव एरर लिया है तो 0.9 mm में वैल्यू पॉजिटिव इंक्लूडेड है, एरर पॉजिटिव है अंदर 0.4 mm का, तो हमें आंसर में माइनस करना पड़ेगा। तो हमें आंसर जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 0.9 मिलीमीटर माइनस 0.4 mm, है ना, क्योंकि पहले से एक्स्ट्रा वैल्यू मेजर कर रहा था। तो अगर हमें अभी 0.9 दिख रही है तो उसमें 0.4 ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, 0.9 में से 0.4 माइनस करो। तो पॉजिटिव एरर में याद रखना करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वर्नियर स्केल इसमें अहेड होता है। करेक्ट मेजरमेंट विद पॉजिटिव एरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी करेक्शन होगी वो हमारी नेगेटिव होगी। तो लेट्स से हमारा एरर अगर 0.04 मिलीमीटर आया है, 0.4 mm और सेंटीमीटर में आया है ये, तो अगर हमें मान लो कोई एक रीडिंग लेनी है, लेट्स से ये एक रीडिंग आपके सामने मैं ले रहा हूं, इसे आप जरा ध्यान से देखो, जरा पहले रीडिंग लेते हैं। तो मान लो ये सेम इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया कुछ मेजर करने के लिए, तो आप देखिए जरा बेटा ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ठीक है विनय सर, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो मतलब ये हमारा हो गया 3.1 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.2, ये हो गया 3.3, तो देख रहे हो, तो दिस इज बेसिकली 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 यहां तक हम आगे 3.3 सेंटीमीटर, मतलब इसे हम 33 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, यस सर। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये वाला है ना, ये एक्स्ट्रा, तो ये वैल्यू अगर मैं निकाल लूं बेटा ये कितनी है ना, ये वैल्यू अगर मान लो एक्स है ये कितनी है, अगर मान लो सीधी रीडिंग ही लिखते हैं यार आ जाओ, तो रीडिंग कितनी होगी मेरे बच्चों, रीडिंग होगी मेरी 33 मिलीमीटर प्लस बेटा ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू है ये कैसे निकलती है, लाइन ओवरलैप करके देखो, और मैं लाइन ओवरलैप करूं बेटा, कौन सी लाइन ओवरलैप हो रही है, देखो 4-4 से ओवरलैप कर रहा है, 4-4 से ओवरलैप कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, तो प्लस बेटा 4 इंटू बेटा 0.1 मिलीमीटर। मैं ये आंसर दे देता मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, 33 में मैं ये आंसर लिख के ऐड कर देता, बट ये मैं तब करता अगर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट होता। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से एरर है, इस इंस्ट्रूमेंट के पास पॉजिटिव जीरो एरर है और उसकी वैल्यू कितनी है वो हमने भी पीछे निकाली 0.4 मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर में ही निकाले तो 0.4 मिलीमीटर, तो हमारा ऑलरेडी एक 0.4 का उसके अंदर एरर था, तो फाइनली मुझे जो आंसर देना चाहिए माइनस 0.4 मिलीमीटर करके रिपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो अगर एरर पॉजिटिव है तो उसके अंदर करेक्शन जो करनी है वो आपने नेगेटिव करनी है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर सिंपली बेटा अगर आप इसे देखो तो ये आ जाएगा 33.4 माइनस 0.4, तो ये एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूँ ये 33 मिलीमीटर ही आ जाएगा, जिसको आप 3.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, और ऐसे ही बेटा एरर नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होगा, जब जीरो पीछे आ जाएगा, तो समझ रहे हो, जब ये जीरो मेन स्केल के जीरो से, इसका जीरो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ जाए तब जो हमें एरर मिलता है उस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर, है ना, अगर वो लेफ्ट की तरफ आ जाए तो। नेगेटिव एरर का याद रखना बेटा, जो करेक्शन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब ये पहले से ही। अब सोचो अगर ये वैल्यू मान लो जितनी भी है, भी इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, पहले आओ कैलकुलेट ही कर लेते हैं। अगर मान लो मुझे ये एग्जैक्ट लेंथ निकालनी है कि यार ये कितनी है, तो देखो कॉमन सेंस से निकलेगी, अब पीछे आए हो तो ये गैप कैसे निकलेगा, देखो पहले लाइन ओवरलैप निकालो, लाइन कौन सी ओवरलैप है बच्चों, देखो फोर्थ लाइन ओवरलैप हो रही है, है ना, तो ये 4 हमारी ओवरलैप हो रही है, जरा ध्यान से देखना बेटा, देखो 4 हमारी, ये जो 4 लाइन है ये हमारी ओवरलैप कर रही है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ये होगी हमारी कितनी, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 4 वर्नियर स्केल डिवीजन होगी, और देखो यहां पे मेन स्केल की कितनी आ रही है, 1, 2, 3, तो यहां से यहां तक ये जो है ये है मेरी 3 मेन स्केल डिवीजन। तो ये जो हमारा एरर है, ये जो हमारा नेगेटिव एरर है, अगर तुम इसकी वैल्यू को निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे, आप यहां पे लिखोगे बेटा 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसमें से 3 मेन स्केल डिवीजन बेटा आप माइनस करेंगे, यस विनय सर। और अगर आप इसको माइनस करें बेटा, देखो जल्दी बताओ ऐसे ही होगा ना, ये देखो कॉमन सेंस है ना, ये ओवरलैपिंग वाला पॉइंट है, तो यहां से ये वाली लेंथ में से ये वाली लेंथ अगर माइनस कर दूं तो ये मुझे एरर मिल जाएगा, तो ये एरर की वैल्यू पहले निकाल लो कितनी है,
कई बार ये तुम्हें डायरेक्टली गिवन होता है, मतलब ये पेपर में लिखा ही होगा कि ये वैल्यू है लेट्स से 0.3 mm, 0.4 mm, इतना नेगेटिव एरर, इतना गिवन ही होता है। तो मैं बस मैं एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ, एडवांस के पेपर में आपसे ये निकलवाते हैं, तो बस कॉमन सेंस से निकालो। तो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, विनय सर 4 × वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल विनय सर कितना है हमारा, वर्नियर स्केल की डिवीजन होती है हमारी कितनी 0.9 mm -3 × मेन स्केल, मेन स्केल होता है मेरा 1 mm। तो बेटा मैं ये देख सकता हूँ ये आ जाएगा 3.6 -3, 0.6 मिलीमीटर का मेरा नेगेटिव एरर आ गया। कितना आ गया 0.6 विनय सर मिलीमीटर। अब जरा ध्यान से सुनना, मतलब ये 0.6 मिलीमीटर हमारा नेगेटिव एरर रखता है। अगर मैंने अब जॉस के बीच में कुछ डाला, सोचो ये वैल्यू अगर जीरो इसके साथ जीरो से ओवरलैप कर जाए, आपने कुछ डाला और जीरो जीरो से ओवरलैप कर जाए तो रीडिंग जीरो शो हो रही है, रीडिंग जीरो शो हो रही है लेकिन वैल्यू वहां पर नॉन जीरो है, तो क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है, आप अपनी रीडिंग लो, रीडिंग में आपका अगर एरर नेगेटिव है तो आपको उतना ही आंसर और उसमें पॉजिटिव करके देना पड़ेगा। तो मान लो अगर हमारा आंसर जीरो आ रहा है तो उस केस में हमें आंसर देना पड़ेगा 0.6 मिलीमीटर, तो इतनी वैल्यू हमें उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, पॉजिटिव एरर में करेक्शन नेगेटिव होती है ना, पॉजिटिव एरर में करेक्शन नेगेटिव होती है और नेगेटिव एरर में जो करेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। एक सवाल दिखाता हूं बेटा आपको, इसी साल जो आया है 2023 का लेटेस्ट प्रॉब्लम बेटा 10 अप्रैल को 2023 के अंदर देखने को मिला है। क्वेश्चन देखिए जरा आपके सामने स्क्रीन पे, एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन ध्यान से देखें और समझें। कह रहा है हमें इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 mm व्हेन द टू जॉज आर जॉइंड टुगेदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें हमारा लीस्ट काउंट कितना है विनय सर 0.1 mm, तो मैं लिखता रहता हूं हमारा जो लीस्ट काउंट है वो स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो वही है 0.1 mm और टू जॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर तुम्हारा राइट की तरफ आ रहा है जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से तो एरर हमारा पॉजिटिव हुआ। अब कोई लिखेगा नहीं पेपर में कि पॉजिटिव एरर है, तुम्हें खुद अपनी नॉलेज से उसको जज करना है कि सर एरर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एरर की बेटा वैल्यू जो निकल के आएगी कितनी है वो अब आप देखो जरा, वो हमें कह रहा है कि 6th डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल से, तो जो एरर होगा वो कितना होगा 6 times लीस्ट काउंट, मतलब दैट इज 0.1 mm। तो पॉजिटिव एरर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.6 mm। मेरे बच्चों बात समझ रहे हो, ये हमें ये देखो ये अगर राइट की तरफ आता है, ये अगर राइट की तरफ आता है तो एरर हमारा पॉजिटिव होता है और ये कितनी वैल्यू हमारा आगे शिफ्ट हुआ वो हमें पता लगता है कितनी ओवरलैप कर गई है। तो यहां पे देखो ये 4th डिवीजन ओवरलैप कर रही है, वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है 6th डिवीजन ओवरलैप कर रही है, तो बेसिकली एरर जो होगा वो होगा 6 times है ना, 6 times 0.1 mm, मतलब 0.6 mm। अब इसके आगे हमें कह रहे हैं व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.2 and 3.3 cm है ना। तो अब हम एक रीडिंग ले रहे हैं और हमारा जो आंसर है वो 3.2 और 3.3 के बीच में है, तो देखो फाइनल रीडिंग क्या दोगे, अब फाइनल रीडिंग क्या दोगे विनय सर, देखो जरा ध्यान से फाइनल रीडिंग सर हमारी जो होगी वो होगी देखो 3.2 से थोड़ी सी ज्यादा और 3.3 से कम, तो 3.2 अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर लिख लो, प्लस बेटा आपकी है ना आप यहां पे इसके आगे कुछ और एक वैल्यू लोगे एक्स, और वो कैसे पता चलेगा, ये कह रहे हैं 4th डिवीजन जो है हमारी वो ओवरलैप कर रही है, तो 4 times लीस्ट काउंट है ना, और 4 times लीस्ट काउंट आप अगर सेंटीमीटर में लोगे तो कितना होगा, सेंटीमीटर में अगर लिख रहे हैं तो ये हो गया हमारा 0.01 cm, तो 4 times 0.01 cm। ये मैं अपना आंसर दे देता, एक हमने रीडिंग मेजर की और उस रीडिंग को मेजर करने में हम 3.2 से, देखो यहां तो तुम्हें फिगर देगा उस फिगर को देख के आंसर दो, यहां तुम्हें वो लिखित में देगा, यहां पे वो लिखित में दे रहा है, तो 3.2 से थोड़ी सी ज्यादा, कितनी ज्यादा 4th डिवीजन वर्नियर स्केल की हमारी कोइंसाइड कर रही है, तो 4 × 0.01 मैं लिख देता पर इसके अंदर एरर है और एरर हमारा पॉजिटिव है तो करेक्शन में हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, करेक्शन में नेगेटिव होगा और करेक्शन होगी हमारी कितनी, देखो मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में करोगे तो 0.06 cm। तो फाइनल आंसर आपके सामने है, 3.2 में 0.04 ऐड कर दो फिर -0.06 कर दो, तो बेसिकली सॉल्व करना ये 3.18 cm आपकी रीडिंग आ जाएगी।
3.18 सेंटीमीटर रीडिंग हमारी आ जाएगी। तो ए ऑप्शन, देखो यार वैसे तुम सोचो क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, और मैं बेटा आपको बता दूं जिस हिसाब से जेई आ रहा है आजकल, जेई मेंस की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होगा पेपर का, मतलब ये अच्छे सवालों में से होगा, इससे इजी आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो आज का सेशन मैं आपको बता देता हूं स्पेशली उसको मद्देनजर रख के गया है कि पेपर में जो बच्चे बेवकूफी कर देते, आप देखो टाइम बहुत कम लगता है, अगर क्लैरिटी हो तो बहुत कम टाइम है, अगर नहीं क्लैरिटी तो बेटा चाहे सारा दिन लगा लो फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यस सर है ना बच्चों, एवरीबॉडी मेक सेंस तो सॉल्व करिए, यू गाइस विल गेट 3.18 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये 2023 का लेटेस्ट प्रॉब्लम है आपके सामने बच्चों, और अब बेटा बात आ गई है हमारी स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज तो बेटा इससे भी ज्यादा लड्डू टॉपिक है, अगर आपने वर्नियर कैलिपर को सीखने में इतना समय लगाया, स्क्रू गेज इससे भी इजी है, बहुत इजीली आपके बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं स्क्रू गेज के। तो स्क्रू गेज में बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक सिंपल सी कहानी है। एक आपका नॉर्मल स्केल होता है जिसे हम बेटा बोलते हैं हमारा मेन स्केल, तो एक मेन स्केल तो है ही आपका, है ना, दिस इज योर मेन स्केल, ठीक है, ये हमारा वही मेन स्केल है जो आपने पहले भी देखा था। बस इसमें इतना याद रखो, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखो यार, लीस्ट काउंट बस बताना चाहिए आपको, लीस्ट काउंट कितना है। देखो नॉर्मल स्केल का होता है 1 मिलीमीटर, नॉर्मल स्केल का होता है 1 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल का होता है 0.1, वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर। अब स्क्रू गेज का और भी नीचे चला जाएगा, इससे भी छोटा, इसका भी 1/10। तो यहां पे जो होता है लीस्ट काउंट वो होता है 0.01 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में दो तो मतलब 0.001 सेंटीमीटर, इतना बेसिकली आपका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का हो जाता है। तो स्टोरी सेम है, यहां पे भी एक फिक्स स्केल होगा, फिक्स स्केल वही पुराने वाला, फिक्स स्केल वही जो होता है विनय सर हमारा पुराने वाला, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हमारा क्या है विनय सर, ये है विनय सर हमारा मेन स्केल, ध्यान से सुनिए जरा स्क्रीन पे, ये है विनय सर कौन हमारा मेन स्केल, ये मेन स्केल हमारा, यस विनय सर है ना, हाँ कोई बात नहीं, मैं अगली स्लाइड पे आ गया, मुझे पता है वहां थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं यहीं पे समझाता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बेटा है हमारा मेन स्केल। इस मेन स्केल की अपनी एक डिवीजन होगी जिसे हम बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं विनय सर 1 मेन स्केल डिवीजन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे देखो ये हमारा कितना है 1.1 1.2, मतलब ये 0.1 के इंटरवल में मेजर होती है, ये पहले वाली बात है सारी, 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मिलीमीटर भी बोलते हैं, नॉर्मल स्केल है। अब जब हम कैलिपर बना रहे थे तो इसके नीचे हमने बेटा एक मूवेबल स्केल बना दिया, और उसकी जो डिवीजन थी उसकी थी 0.9 mm, और डिफरेंस से हमने लीस्ट काउंट निकाला। स्क्रू गेज में तो और आसान है बच्चों, स्क्रू गेज में इस मेन स्केल के ऊपर एक हमारा सर्कुलर स्केल भी हम लगा देते हैं, एक हमारा विनय सर सर्कुलर स्केल भी हम लगा देते हैं, जो कि बेसिकली अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो सकता है, इसे आप रोटेट करते हो इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर आप यहां पे स्क्रीन पे देखें, सॉरी गाइस थोड़ा सा विनय सर को कोल्ड आ गया, तो बट हाँ आप थोड़ा इसको यहां पे देखें, तो ये जो होता है ना ये बेसिकली ये स्केल होता है, ये एक सर्कुलर स्केल, इसको रोटेट किया जाता है इसके ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ ब्रॉडर वे में थोड़ा समझाता हूं। तो होता क्या है बच्चों, हमारा ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पे अपनी डिविजन होती है, ये जो सर्कुलर स्केल है ना इसके ऊपर 100 डिविजन होती है, ध्यान से सुनना, कितनी होती है विनय सर 100। तो जरा ध्यान से देखो, ये हमारा है बेसिकली मेन स्केल, तो सर्कुलर स्केल पे बेसिकली ऐसे बेटा रीडिंग्स चढ़ी होती हैं, ये रीडिंग्स मैं आपके सामने बनाता हूँ, है ना, ये कुछ ऐसी होती हैं, देखो ये पहले इसके ऊपर ऐसी होगी, ये 0, फिर ऐसे ये 1 2 3 4 5, है ना, ये 5th हो गई ऐसे, फिर 6 7 8 9, बट कर करके बेटा ये पीछे आपको यहाँ पे दिखेगी 95, समझ रहे हो 95, फिर ऐसे 96 97, ये पूरी 100। तो बेसिकली ये जो सर्कुलर स्केल है, मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों, एक आपको यहाँ पे दिखी, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, 5th थोड़ी बड़ी दिख गई, ये 5 हो गई, फिर ऐसे 6 7 8, ये नॉर्मल स्केल जो है वो है अपना, फिर ये 9, फिर इसके बाद ये 10th डिवीजन दिखी, फिर ऐसे बेटा कहीं पे 15th दिखी, फिर ऐसे पीछे बेटा कहीं पे 20 दिखी, फिर 25 दिखी, समझ रहे हो, ऐसे घूमते जाओ तुम्हें यहाँ पे
95th डिवीजन दिखेगी, फिर 96, 97, 98, 99 और फिर ये 100। तो ये वाला जो स्केल होता है सर्कुलर स्केल, इस स्केल पे होती है विनेसर कितनी, 100 डिवीजन्स होती है मेरे बच्चों। और जरा आप ध्यान से सुनना, और ये स्केल हमारा रोटेट करते हैं। अगर आप इस स्केल को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ऐसे, तो ये आगे जाएगा। ये स्केल बेसिकली हमारा आगे भी जा सकता है, और अगर तुम इसे एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये हमारा पीछे भी आ सकता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे पूरा 360 डिग्री रोटेट करूं, है ना, अगर मैं इसे पूरा, अगर आप इसे ऑपोजिट मान लो ऐसे रोटेट करते हो और ये स्केल हमारा पीछे जा रहा है, बेसिकली ये पीछे जाएगा, तो डेफिनेटली यहां पे आपने कोई चीज जो है उसे आपने इंसर्ट किया, आपने किसी चीज को इंसर्ट किया। तो ये जो स्केल है हमारा, जब इसे बेटा हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जब हम इसे पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये एक मेन स्केल डिवीजन शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब पूरा रोटेट करने से, है ना, ये सर्कुलर स्केल, मैं लिख देता हूं यहां पे, सर्कुलर स्केल moves by 1 millimeter when rotated 360 डिग्री। मतलब तुम 360 डिग्री से रोटेट करोगे तब ये सिर्फ इतना 1 mm जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन, बेसिकली जितनी 1 मेन स्केल डिवीजन है उतना ये बेसिकली पीछे शिफ्ट होगा। और सर्कुलर स्केल पे है कितनी डिवीजन्स विनय सर, 100 डिवीजन। तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, मतलब 100 डिवीजन। अब सोच के देखो बेटा, ये बेसिकली इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ, इसका लीस्ट काउंट हुआ मेरे नमूने, मेरी बात समझ रहे हैं, जब ये एक डिवीजन, बेसिकली समझ रहे हो, ये लीस्ट काउंट है, जब ये एक डिवीजन, है ना, हम इसे रोटेट करें तो ये कितना पीछे शिफ्ट हुआ, दैट इज गाइस यू नो माय लीस्ट काउंट। तो मैं लिख देता हूं लीस्ट काउंट कितना हुआ, बड़ी सीधी सी बात है बेटा, इट इज डिस्टेंस मूव्ड व्हेन 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड। जब एक डिवीजन रोटेट करेंगे तब वो कितना हमारा मूव करेगा, तो सीधी सी बात है बेटा, तो एक हमारा बेसिकली 100 डिवीजन 1 मिलीमीटर को हमारा शिफ्ट करती है, 100 डिवीजन से हमारा 1 mm हमारा शिफ्ट होता है, और एक डिवीजन से कितना शिफ्ट होगा, 1/100 बच्चों। और ये वैल्यू निकल के आती है 1/100 0.01 मिलीमीटर, ये निकल के आती है सर कितनी, 0.01 mm। और ये जो होता है ना बेटा 1 mm, इस 1 mm को भी हम बोलते हैं नाम, इसका भी एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच। क्या नाम है इसको, पिच, इट इज बेसिकली द पिच ऑफ दैट स्क्रू गेज। तो ये सारी बेटा हमारी आपके सामने स्टोरी है, ठीक है जी। अब आपके सामने एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको वीडियो से भी समझ में आएगा, तो आप जरा देखिए। तो ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये सर्कुलर स्केल है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये हमारी रीडिंग है, है ना। अब जैसे मैं आपके सामने यहां पे बताऊं, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को जरा ध्यान से देखना। अब देखो यार, ये हमारा है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप इसको, इसी को थोड़ा सा ब्रॉड, चलो हम आगे जाते हैं, आगे हमें ब्रॉड एक पिक्चर मिलेगी, मैं वहां आपको दिखाता हूं। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन है, ये सारी कहानी आपके सामने बता दी, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। ये सारा इसका मोटा, ये हमारा यू शेप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पिच हमारी देखो, लीस्ट काउंट होता है हमारा पिच बाय, बेसिकली जो भी हमारी पिच है 1 mm, पिच है मेरी 1 mm, और नंबर ऑफ डिविजन जो होती है हमारी सर्कुलर स्केल के ऊपर, वो होती है हमारी कितनी विनय सर, दैट इज बेसिकली 100। तो स्टैंडर्ड केस में 100 होती है, बाकी बदल भी जाती हैं। तो 1 mm बाय 100 करो, 0.01 mm हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब जरा यहाँ पे देखो, जरा इसको देखो। अब मान लो ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, बेसिकली आपने क्या किया, आपने किसी चीज़ को मेजर करना है, तो उसे में आपने क्या किया, आपने इसको रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करना शुरू करोगे, ये पीछे जाएगा, तो ये रॉड थोड़ी पीछे किसके की बीच में खाली जगह बनेगी, वहां पे आपने उस ऑब्जेक्ट को डाल के, बेसिकली इसको स्टड्स बोलते हैं, इसके बीच में आपने फिट कर दिया। अब आपने जब फिट कर दिया, अब आपने रीडिंग लेनी। अब रीडिंग लेने के लिए आपने क्या किया, इस पार्ट को थोड़ा सा मैंने जूम करके आगे दिखा दिया, मान लो ये आपको ऐसे दिख रहा है। अब देखो फाइनल बात हो रही है, अब करना क्या है, अब ये कुछ ऐसे दिखा, बताओ बेटा क्या कितनी रीडिंग आ रही है। विनय सर देखो, ये है हमारा नॉर्मल स्केल, तो आप देखो बेटा ये हमारा कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जरा ध्यान से देखना बेटा,
ये 9 है ना, अगर मैं mm में अगर मान लो चलूं, ये 90 मिलीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली ये 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 मिलीमीटर तक हो गया। अब देखो बेटा, ये हमारा 90, यहाँ पे अगर हम देखें, दिमाग लगाएं अगर, तो ये देखो बेटा हमारा, आप अगर दिमाग लगाओ, ये 9 है, ये 9 के बाद बेटा हमारा इधर आ रहा है 9.5, और आगे बेटा है हमारा 9.6, देख रहे हो। तो आप अगर इसे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, आपके सामने ये लिखा है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये देखो ये है यहां तक, यहां तक की वैल्यू है 9.6 सेंटीमीटर, जिसे आप 96 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ये ज्यादा है, ये कुछ आगे हमारा गैप है, ये कुछ आगे हमारा गैप है, ये कुछ और गैप है। अब ये गैप कैसे निकालोगे, है ना, 96 से थोड़ा सा ज्यादा। अब वो हमारा बेटा कैसे निकलेगा, आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कौन सा बेसिकली आपका यहां पे कितना ये रोटेट। अब देखो ये हमारा एक्चुअली जीरो ही खड़ा है, तो बेसिकली हमारा ये जो गैप है ये हमारा लगभग जीरो ही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला हमारा एक्चुअली इट्स नॉट बेसिकली, समझ लो ना, ये एक्चुअली मान लो यहां पे जीरो के बदले, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज, अगर ये जीरो के बदले कोई और रीडिंग होती, यहां पे जीरो ना होता, यहां पे कोई और डिवीजन होती हमारी, लेट्स से इट इज कमिंग आउट टू बी 25, मान लो ये जीरो के बदले यहां पे होता 25, तो आप क्या करते, बेसिकली 25 डिविजन वो रोटेट हो चुके, तो उस केस में आप क्या करते, इसे आप लिखते गैप की वैल्यू। मैं एक आगे मेरे पास नंबर है, हाँ यहाँ पे मेरे पास स्लाइड है, ये बेटर है, इस फिगर को चूज करते हैं। एवरीबॉडी ऑन स्क्रीन देखो, ये हमारा मेन स्केल है, इसको रीडिंग लेते हैं। ये हमारा बेटा है हमारा जीरो, ये 1, ये 2, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो यहां तक की जो रीडिंग है ये है कितनी विनय सर, 2 सेंटीमीटर, या इसे लिख सकते हो 20 मिलीमीटर, है ना। अब मेरी बात को आप समझ रहे हो, जैसे मैंने यहां पे लिया है ना 9.6 सेंटीमीटर या 96 mm, ओके जी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ये हमारा एक्स्ट्रा एक गैप है, इस गैप की वैल्यू को मैंने ढूंढना है, और यहां पे बेटा पिछली फिगर में क्या था, एक्चुअली जीरो फिर जीरो ही आ गया, मतलब वो गैप की वैल्यू जीरो है, बेसिकली गैप है ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहां पे हमारा गैप अगर मैं दिखाऊं इस फिगर के अंदर, तो गैप को अगर आप बेटा देखो, यहां से अब आपकी लाइफ बेटा हमारी पूरी चिल होगी। आप जरा नोटिस करो, देखो ये है 20, ये 20 है, फिर ये 21 है, फिर ये हमारा 22 है, मेरी बात समझ रहे हो, ये हमारा 22 है। तो बेसिकली ये सर्कुलर स्केल की 22nd डिवीजन है, 22nd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ऑफ सर्कुलर स्केल। और अगर मान लो इस स्केल पे 100 डिवीजन है और सामने मुझे 22nd डिवीजन दिख रही है इस सर्कुलर स्केल की, तो मेरी रीडिंग क्या होगी, व्हाट रीडिंग आई विल टेक, आई विल टेक दिस रीडिंग एज, विनय सर ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 मिलीमीटर, और प्लस बेटा इसमें हमने ये जो गैप है, इस गैप की वैल्यू को निकाला, 22nd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल का जो है वो है लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, कितना है विनय सर 0.01 मिलीमीटर, तो 20 mm में ऐड कर दो विनय सर कितना 0.01 mm, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा बेसिकली वही मैं आपको बता रहा था, एक डिवीजन जो है हमारी, हाँ यही मैं आपको बता रहा था कि इस सर्कुलर स्केल की जो एक डिवीजन है उसकी वजह से जो हमारा वो बाहर की तरफ निकलता है वो कितना निकलता है, दैट इज बेसिकली 0.01 mm। तो डेफिनेटली अगर वो 22nd वैल्यू पे खड़ा है तो मतलब 0.01 × 22 मुझे करना पड़ेगा इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.01 है ना इंटू बेसिकली योर लीस्ट काउंट। तो आप इसे अगर देखो तो ये हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं तो 20.22 मिलीमीटर इज माई एब्सोल्युटली बच्चों करेक्ट आंसर, दैट इज माई करेक्ट आंसर। तो बड़ा सिंपल सा बेटा हमारी ये सारी स्टोरी है, ठीक है जी। तो बाकी बेटा यहाँ पे ऐसे ही ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऐसे इसकी भी एक बेटा मैं आपको बता देता हूँ, सिमुलेटर है आपका, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ठीक है। ऐसे इसके अंदर भी पॉजिटिव जीरो एरर होते हैं, नेगेटिव जीरो एरर होते हैं, तो इसी स्क्रू गेज का भी बेटा यहाँ पे आपके सामने ये एक पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आप जिसको भी मेजर करना चाहते हो मैं ये लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो आप इस लिंक के थ्रू से आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा, इस सिमुलेटर के अंदर डालिए, प्रॉपर उस रीडिंग को मेजर करिए, आपको काफी हद तक यहाँ से सारा समझ में आ जाएगा। ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा सा खेल लेना, प्रैक्टिस कर लेना, होता यह है थोड़ा सा चीजें आपकी वहां से कंफर्म्ड हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं, ठीक है। तो एक अगर हो पाए तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, बट आई गेस थोड़ा सा ये ब्राइट ज्यादा है, तो हो सकता है मुझे बताइएगा कि
क्या आप इसे देख पा रहे हैं? तो आई गेस देख लेते हैं एक बार, नहीं तो आप वहां पे उस पर ट्राई करिएगा। तो ये कुछ ऐसा सा बेटा दिखता है, देख रहे हो, उसको रोटेट करोगे, है ना, रोटेट करोगे वो आगे जाएगा, उसे बाहर निकालोगे तो वो आएगा। तो प्रॉपर 360 डिग्री रोटेट करके देखो, ये आपको यहाँ पे ऐसे रीडिंग भी दिखती है, जूम करके कर ले, बेसिकली सिमुलेटर पे थोड़ा खेल लोगे, थोड़ा सा और उससे अच्छा आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। बाकी थोड़ा ये ब्राइट अभी ज्यादा हो सकता है, उतना नजर ना आए, बट हाँ आपको लिंक दे दूंगा, लिंक से आप उसे जरूर बेटा एक बार ट्राई कर लेना। चलिए जी, तो ये हमारा बेटा स्क्रू गेज था। अब इसके अंदर भी बेटा पॉजिटिव नेगेटिव एरर होते हैं, उसे भी एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, है ना, कोई टेंशन नहीं है, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो क्या क्या है इसके अंदर बेटा, बहुत सीधी सी बात है। देखो यार, हमारा एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है हमारा नेगेटिव एरर। तो देखो यार, अगर हमारा मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो और हमारा इधर से विनय सर सर्कुलर स्केल का जीरो अगर ओवरलैप करें, मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर हमारे ओवरलैप करें, इफ दे एक्चुअली ओवरलैप, अगर ये हमारे ओवरलैप करें, क्या करें विनय सर, ओवरलैप करें, तो उस केस में बेटा हम ये बात कहते हैं कि हमारा एरर नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब यार अगर मान लो ये जीरो, अब ये जीरो के दो केस बनते हैं, है ना, इसमें नो एरर है, ये जीरो हमारा सर्कुलर स्केल का अगर नीचे आ जाए या मान लो ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, देखो यहाँ जीरो है या 45 है, तो मतलब यहाँ पे 50 डिविजन्स हैं, है ना, 45 फिर 46 होगा इधर, फिर 46 होगा, 47 होगा, है ना, 50 डिविजन्स हैं। तो ये सर्कुलर स्केल की डिविजन्स वैसे स्टैंडर्ड 100 होती हैं, बट ये 50 भी हो जाती हैं, 25 भी हो जाती हैं, हर क्वेश्चन में कई बार वो चेंज कर लेता है, ठीक है। तो देख लेना ऑन द स्पॉट, फिर लीस्ट काउंट आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो अगर ये जीरो हमारा मान लो बच्चों नीचे आ जाए, है ना, अगर ये नीचे आ जाए, है ना, दो केस हैं, या नीचे या ऊपर, तो अगर बेटा मान लो ये हमारा नीचे की तरफ आ जाए, इफ जीरो इज यू नो ऑन दी दिस साइड, तो उस केस में ये जो एरर होता है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इसको चेक करने का एक और तरीका भी है, एक तो ये नीचे आए तब आपको पता चलेगा, दूसरा बेटा क्या है कि यार आप अपने इस स्क्रू गेज को ऐसे उल्टा कर दो। आपको पता ना स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है, स्क्रू गेज कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, तो इसे पकड़ के ना ऐसे उल्टा कर दो, बेसिकली ये जो हमारा सी शेप है, ये जो यू शेप है बेसिकली, वो ऐसे नीचे की तरफ आ जाए। और अब जब आप इसको ऐसा करो और आपको बेटा ऐसा लगे कि यार ये हमारा, है ना, बेसिकली कुछ ऐसा सीन है, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। अब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है अगर वो राइट पे आए, और मेन स्केल का जो जीरो है वो तो हमारा यहीं पे आएगा। तो अगर मैं इसे बेटा सोच के देखो, इसे अगर मैं उल्टा करूं, तो ये वाला जो जीरो है इसे अगर उल्टा करूं तो ये थोड़ा सा राइट साइड पे आएगा। तो इसका जीरो अगर राइट की तरफ आपको मिले, राइट की तरफ मिले, तो उस एरर को बेटा हम स्क्रू गेज में बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, है ना, दैट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। और करेक्शन इसकी क्या होगी मेरे सर, वो नेगेटिव होगी। आप इसे वैसे ही सोच के देखो, बड़ी लॉजिकल बात है, है ना, कि अब अगर मैं इसे इतनी डिविजन्स, अगर मुझे मान लो ये वैल्यू निकालनी है, है ना, अगर आप यहां पे देखो ये कितनी रीडिंग्स आपके सामने आ रही है, देखो जरा कितनी डिविजन है, ये हमारी देखो, ये देखो, ये हमारी एक, ये हमारी एक डिविजन, ये दूसरी डिविजन, ये तीसरी, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये जीरो है, ऐसे सोचो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो बेसिकली यहां से यहां तक आने में मेरे को तीन डिविजन रोटेट करना पड़ेगा, तीन डिविजन रोटेट करूंगा तब मैं जीरो पे पहुंचूंगा। तो बेसिकली इसमें अगर मान लो मैं एक चीज फंसाऊं, अगर मुझे कोई रीडिंग लेनी है और उसको रीडिंग को लेते वक्त मान लो ये हमारा तीन डिविजन रोटेट होता है, तो वैल्यू जीरो शो हो रही है लेकिन हमने तीन डिविजन उससे रोटेट किया, तो मतलब आपको करेक्शन में पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मुद्दे की बात, सॉरी गाइस, सॉरी मैंने गलत कर दिया। हाँ, ये हमारी तीन डिविजन शो हो रही है, तो पहले मैं आपके एरर निकालता हूं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एरर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एरर, हाँ पॉजिटिव एरर की वैल्यू है 3 टाइम्स लीस्ट काउंट, तो 3 × 0.01 mm, ये देख लेना आपको सेंटीमीटर में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए। तो पॉजिटिव एरर की वैल्यू निकल के आएगी विनय सर कितनी, 0.03 मिलीमीटर, कितनी आएगी विनय सर, 0.03 मिलीमीटर। अब एरर पॉजिटिव है तो बच्चों मैं ये कहना चाहता था आपको, करेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब फाइनल आंसर में आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? अब आप देखो, आप जीरो पे खड़े हो, ऐसे सोचो आप जीरो पे खड़े हो और आपकी तीन डिविजन यहां पे शो हो रही हैं, वैल्यू जीरो है लेकिन तीन डिविजन आपकी शो हो रही हैं। तो मान लो आगे चल के आपकी कहीं 29 डिविजन पे आपने मतलब इसे कोई चीज घुसानी है, आपने इसको घुमाया और आपकी रीडिंग यहां पे 29 डिविजन की आ रही है, तो उसमें 3 डिविजन एक्स्ट्रा से पहले से डली हुई है जो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो करेक्शन आपकी नेगेटिव होगी, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर वाला, पॉजिटिव एरर नेगेटिव करेक्शन, और ऐसे ही नेगेटिव एरर पे पॉजिटिव करेक्शन।
अब नेगेटिव यही होगा बेटा जब जीरो हमारा ऊपर चल जाएगा, तो अगर जीरो हमारा ऊपर चल जाए है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ऊपर गया, दो डिवीजन, ये एक डिवीजन, ये दो डिवीजन, तो बेसिकली ये ऊपर कितना है, इसका जीरो ऊपर चला गया, दो डिवीजन ऊपर गया, तो ये जो एरर है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालूं तो इट इज बेसिकली 0.01 इंटू 2 है ना, ये मिलीमीटर में आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.02 मिलीमीटर। तो एरर पॉजिटिव है लेकिन उसकी विनेसर करेक्शन जो होगी वो, आई होप आप समझ गए हो बच्चों, नेगेटिव होगी। और इसको देखने का एक और तरीका, आप इसको उल्टा कर लो है ना, इस सारे को उल्टा कर लो, और उल्टा करने के बाद ये जो मेन स्केल हमारा है इसका जो जीरो है और सर्कुलर स्केल जो है हमारा बेटा उसका जो जीरो है वो उसके लेफ्ट की तरफ आएगा। तो उल्टा करने पे जो उसके लेफ्ट की तरफ बेसिकली वो निकल के आ रहा है, समझ रहे हो मेरे बच्चों, उल्टा किया और जीरो अगर लेफ्ट की तरफ हमारा शिफ्ट हो रहा है तो उस केस में वो जो हमारा होगा दैट इज माई नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है जी, करेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये बेटा हमारा मोटा मोटा काम है। सवाल आपके सामने है, पहला सवाल देखिए क्या बच्चों आप कर पा रहे हैं। सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा खूबसूरत सवाल है। कह रहा है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर की हमारी पिच है। तो हमारा यहां पे हेड स्केल जो है उस पे 50 डिविजन्स हैं, तो पिच की वैल्यू 0.5 mm है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन, देखो ये 2015 का सवाल है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, इट इज पिच अपॉन विनेसर क्या, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो अगर आप पिच की वैल्यू देखें दैट इज विनेसर 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिविजन्स विनेसर कितनी है हमारी 50। तो बेटा अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा मेरे सामने कितना, पॉइंट है ना 5/10, ये 0.01 बेसिकली मिलीमीटर हमारा निकल आएगा। तो यही हमारी होती है बेसिकली लीस्ट काउंट। तो आप देखिए इसको, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिल्कुल है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो एक सवाल आपको 2023 का देता हूं, 30 जनवरी को ये सवाल आया था और मैं आपको बता रहा हूं ये एक सवाल मेंस और एडवांस के अंदर आपको दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सा डरावने लगते हैं लेकिन होते बहुत सिंपल है। कह रहा है एक स्क्रू गेज है, देयर आर 100 डिविजन स्क्रू गेज के अंदर है, ठीक है विनय सर, और सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन है, मेन स्केल जो है 0.5 mm हमारा बेसिकली मूव करता है ऑन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो तुम समझ गए, 1 mm नहीं है, तो मेन स्केल हमारा 0.5 mm है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक नया स्क्रू गेज है जहां पे मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमारी 0.5 mm है। यूजुअली मेन स्केल 1 mm का होता है लेकिन ये एक नया बना दिया उसने कुछ, एक नया सेटअप, 0.5 mm का हमारा मेन स्केल हुआ। और अगर मैं लीस्ट काउंट पूछूं तो इट इज सिंपली 0.5 mm होगी मेरी पिच। तो पूरा रोटेट करने पे 0.5 mm बाहर निकलेगा और अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स कर दो 100। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू मैं देख पा रहा हूं 0.005 मिलीमीटर हमारी निकल के आ रही है। यस विनय सर, है ना, 0.005 मिलीमीटर निकल के आ रही है। अब देखो यहां पे ये भी कह रहा है, द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन बिलो। अब ये सारी स्टोरी बेटा क्लियर ही तब होगी अगर आपको पूरी कंस्ट्रक्शन क्लियर है। ये मेंस का क्वेश्चन है, नोटिस कर लो, 6 डिवीजन नीचे आ रही है। तो हमारा ये सर्कुलर स्केल है और ये हमारा विनय सर मेन स्केल है और ये वो हमें कह रहा है कि यार ये यहां इसका जीरो इधर है और इसका जो जीरो है वो 6 डिवीजन नीचे आ रहा है। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो हमारा 6 डिवीजन नीचे आ रहा है और ये अगर 6 डिवीजन, समझ रहे हो, ये बेसिकली 6 डिवीजन नीचे आ रहा है, 6 डिवीजन। तो तुम्हें पता लग गया अगर वो नीचे की तरफ आएगा तो मेरा एरर होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जीरो एरर, ये सारी अब क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि नीचे आने का मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 times least count, तो 6 into 0.005 मिलीमीटर। 1 डिवीजन की वैल्यू इतनी है तो 6 डिवीजन की वैल्यू जो होगी वो ये होगी। तो अगर मैं इसे बेटा यहां पर देखूं तो ये सिंपली बेटा हमारा निकल के आ रहा है 0.03 मिलीमीटर। तो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.03 विनय सर मिलीमीटर, लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है जी, विनय सर निकाल ली हमने, है ना, और जब दोस्त आपस में जुड़े हुए थे, अब वो एक रीडिंग ले रहा है ना, एक रीडिंग ले रहे हैं और हमें ये कह रहा है 4 linear scale divisions आर क्लियरली विजिबल, है ना। तो हमारी ये फाइनल रीडिंग निकालनी है तो सीधा लिखते हैं बेटा रीडिंग की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से सोचते जाओ रीडिंग की वैल्यू कितनी होगी।
हमारी कह रहे हैं चार मेन स्केल डिवीजन जो है वो दिख रही हैं, तो चार मेन स्केल डिवीजन तो हमें साफ साफ दिख रही हैं, प्लस उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा जो गैप है उसकी वैल्यू ऐड करनी है। तो बेटा फोर मेन स्केल डिवीजन, फोर इंटू मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो है कितनी मेरे सर, 0.5 मिलीमीटर, 4 इंटू 0.5 mm, और उस गैप की जो वैल्यू है उसने यहां पे बता दी। 46 डिवीजन हमारी सर्कुलर स्केल की दिख रही है, तो 46 इंटू विनेसर लीस्ट काउंट, इंटू लीस्ट काउंट 0.05, समझ रहे हो, 0.005, ये हम हमारा आंसर दे देते, लेकिन हमें एरर भी गिवन है, एरर हमारा पॉजिटिव है, तो करेक्शन में हमें -0.03 मिलीमीटर करना पड़ेगा। क्या नजारेदार सवाल है यार, देखो मतलब क्या नजारेदार, सिर्फ क्लैरिटी है, क्लैरिटी है तो हो जाएगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो ये सारी बेटा सॉल्व कर लेना, आप इसे सॉल्व करिए, ये सॉल्व करके फाइनल जो भी आपका आंसर आता है ना, मैं आपके सामने लिख देता हूं, फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो 2.20 mm आएगा, तो उसे 10 की पावर -2 में अगर कन्वर्ट करोगे तो 220 का फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये सारा कर लेना, सॉल्व करके फाइनल 220 आप अपना आंसर दे देंगे। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट आज का सेशन था, डू लाइक दिस सेशन, लाइकिंग दिस सेशन इज गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारा कंटेंट बेटा आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यूजुअली बेटा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज एक ही सेशन के अंदर, यू विल सी ऑन यूट्यूब ऑल्सो पीपल अवॉइड टू टीच, बट यू नो अपन बब्बर शेर हैं, अपन अपने बच्चों को भी बब्बर शेर बनाते हैं। आपको मैंने ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपको शुरुआती वहीं से करवाइए, जो अपना एक बहुत टॉप लेवल रेफरेंस सेट करती है, जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्लैरिटी और फाउंडेशन मिलती है। और टॉपिक्स ये 11th के हैं, लेकिन यस बच्चे भूल जाते हैं 12th के अंदर जाके, लेकिन हाँ इसके ऊपर सवाल मेंस और एडवांस का पक्का आता है। और सिंपल एक बेसिक हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर की क्लैरिटी है, अगर वो क्लैरिटी हो तो क्वेश्चंस को करते हुए एक अलग ही फन फ्लेवर और आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, बिकॉज आपको वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी क्लैरिटी है, ठीक है जी। और यही बेटा हमारा उद्देश्य है, अपने बच्चों को बब्बर शेर बनाना, बनाते रहेंगे तुम, बदले में बस ये करते रहो लाइक जरूर कर लो। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ इस वीडियो को रिक्वायरमेंट आने पे आगे जाके फ्यूचर में रिकॉर्डेड भी देखेंगे, सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस फैमिली का पार्ट बने, वेदांतु जेई चैनल पे आपको सारी रेगुलर अपडेट्स और सारी वो रेगुलर कंटेंट भी मिलते रहे, जिसकी आपकी अपनी जेई प्रिपरेशन में बहुत जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है जी। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन समाप्त करेंगे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पीपल, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो कैसे लगती है कमेंट्स में जरूर बताया करो यार, तुम्हारे लिए एक लाइन होती है हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है जी। रिप्लाई चाहे मैं ना कर पाऊं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स को देख के आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसके ऊपर आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे जरूर प्रोवाइड करता रहूं। बाय, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, बाय एवरीवन। हाँ, सिमुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अभी के अभी PDF भी मिल जाएगी, सिमुलेटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाय एवरीवन।